अगर 6 साल मैंने अगर करते ही रहेंगे उनका सिलेबस, तो आपका कितना बड़ा एडवांटेज है, आपका सिलेबस कवर हो के यू विल बी एबल टू स्टार्ट रिवाइजिंग, यू विल बी एबल टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर जीएस. तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन एंथ्रोपोलॉजी. ओके नेक्स्ट. अब मैंने बहुत तारीफ तो कर दी है एंथ्रोपोलॉजी की, होती है अभी आपको लेना तो पड़ेगा, आप सोच रहे आपको लेना ही पड़ेगा इतनी तारीफ की है, बट बीइंग रियलिस्टिक इन दिस यूपीएससी जर्नी, अभी हम दोनों ने भी इंटरव्यू दिए, सो वी हैव सम एक्सपीरियंस. ओके सो वी हैव गिवन मेंस, वी हैव, वी नो व्हाट आर द पिटफॉल्स, वी हैव गिवन जीएस पेपर, तो क्या इश्यूज आते हैं हमको पता है. तो अब मैंने बोला स्मॉल सिलेबस है, तो ऐसा नहीं कि इसको लाइटली लेना है. इस अब एंथ्रोपोलॉजी का स्मॉल सिलेबस है, पर थोड़ा लर्निंग पार्ट ज्यादा आएगा, तो लर्निंग पार्ट ज्यादा आएगा तो आपको एफर्ट बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे रोट लर्निंग में. ओके तो स्मॉल सिलेबस है पर लर्निंग पार्ट थोड़ा ज्यादा है, तो टाइम वहां लग जाएगा. सेकेंड पॉइंट, नोट्स मेकिंग में टाइम चला जाएगा थोड़ा. नोट्स मेकिंग हम बताएंगे आपको, अभी हम आपको हमारे नोट्स दिखाने वाले हैं व्हाट नोट्स वी हैव मेड. तो नोट्स मेकिंग में थोड़ा टाइम चला जाता है, तो थोड़ा टाइम एक्सपांड हो जाएगा. तो इवन दो सिलेबस इज स्मॉल, यू हैव टू गिव इमेंस एफर्ट्स. और क्या, अगर आप नेक्स्ट अपन मिथ देखते हैं, एक बार मैं लास्ट मिथ देता हूँ पहले. इजी स्कोरिंग, मैंने आपको बोला कि स्कोर बहुत अच्छा हो रहा है, स्कोरिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो रहा है. ओके बट ऑन एन एवरेज एंथ्रोपोलॉजी के 1500 लोग मेंस देते हैं. ओके क्या सबके सब 1500 सिलेक्ट होते हैं क्या? डू ऑल द 1500 गिव मी इंटरव्यूज? नो, दे डोंट गिव. व्हाई इज दैट? क्योंकि सबका इतना अच्छा स्कोर नहीं आता, यूपीएससी पे सबको ले भी नहीं सकता ना. अगर उन्होंने 1500 बच्चे एंथ्रोपोलॉजी के ले लिए, तो बाकी ऑप्शंस को क्या देंगे ना वो लोग. सो यू हैव टू स्टैंड आउट इन योर कंटेंट देन द रेस्ट ऑफ द अदर्स. आपको बाकी 1500 में आपके कंटेंट को कुछ अलग लाना पड़ेगा. सिलेबस छोटा है, सब्जेक्ट इजी है, समझने में आसान है, तो फिर क्या, कहाँ अटकते हैं लोग कहाँ अटकते हैं कि उनके नोट्स रेडी नहीं होते, कि उनके वैल्यू एडिशन नहीं होता, उनके पास डायग्राम नहीं होता, उनके पास फ्लो चार्ट्स नहीं होते, उनके पास डेटा नहीं होता. तो यहाँ लोग अटक जाते हैं. अपने को यहाँ पे अटकना नहीं है, अपने को इजी स्कोरिंग है, पर अपने को वो इजी स्कोरिंग को बाकी सबसे स्टैंड आउट करना है. तो स्टैंड आउट कैसे करेंगे? वी आर गोइंग टू गिव नोट्स फॉर दैट. नेक्स्ट इज, इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट. मैंने ये बता दिया तारीख में, ये स्टैटिक सब्जेक्ट है. अभी एंथ्रोपोलॉजी का नंबर बढ़ रहा है, आपको पता है, इट इज न्यू हाईलाइट इन द मार्केट. सब लोग एंथ्रोपोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, तो द नंबर इज गोइंग टू राइज फ्रॉम 1500 टू ऑलमोस्ट 2000 2500. ओके तो जब नंबर बढ़ता है, तो यूपीएससी का क्या गेम होता है पता है आपको? जब नंबर बढ़ता है, तो यूपीएससी ट्राइज टू मेक दैट ऑप्शनल अ बिट डायनामिक, ट्राइज टू चेक इट हार्डर. आपने बहुत सीनियर से सुना होगा ज्योग्राफी स्कोर नहीं कर रहा है, आपने बहुत सीनियर से सुना होगा कि पबैट स्कोर नहीं कर रहा है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब ज्योग्राफी देते हैं ऑलमोस्ट 4000 लोग. यस इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड. ज्योग्राफी देते हैं 4000 लोग, तो 4000 लोगों में से यूपीएससी को निकालने हैं अराउंड 300 लोग ज्योग्राफी में से. तो क्या करेगा वो? आपको एक तो डायनेमिक बना देगा पेपर को, आपको एक तो स्कोर स्ट्रिक्टली करेगा, तो आपको दिखता है कि ज्योग्राफी के बच्चे स्कोर नहीं कर रहे. जो टॉप 300 स्कोर करते हैं वो मार्केट में दिख के नहीं आते हैं. ओके तो पेपर अभी टफ होने वाला है एंथ्रोपोलॉजी का, तो उस पार्ट को भी अपने को हैंडल करना चाहिए. ओके बाहर आपको कोई नहीं बताएगा कि पेपर टफ होने जा रहा है, बट एज वी हैव गिवन मेंस एंड आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ फेलियर, तो आई नो कि क्या पिटफॉल होते हैं उसके. ओके आपको समझना पड़ेगा सब्जेक्ट कहाँ डायनेमिक हो रहा है. ओके तो सब्जेक्ट अभी थोड़ा 20% क्वेश्चन डायनेमिक आ रहे हैं, इस साल भी डायनेमिक क्वेश्चन थे. So we need to also tackle those questions. And last myth, according to me, is easy for medical students. Actually, anthropology ko bache, anthropology ko aspirants kyun darte hain? Kyunki yahan pe biology hai. Okay? So uske liye darne ki zarurat nahi hai. Biology hai. Just I'm getting some questions. Just a minute. I don't have biology in my 11th, 12th. My graduation is in computer engineering. Will I face any problem in preparing anthropology? Rohit, I am a computer engineer myself. I am PICT pass out Pune se. So I am myself a computer engineer. I don't have 11th and 12th in biology, and I have prepared for anthropology, and I have appeared the interview twice. So I think I have answered your question. Ki
आप टेंशन मत लो कि बायोलॉजी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो कोई दिक्कत नहीं होता। एक्चुअली स्कोर आप अगर टॉप स्कोरर्स में देखोगे तो अगर टॉप 10 स्कोर ले लो एंथ्रोपोलॉजी के, डू यू सी एनी मेडिकल बैकग्राउंड डोमिनेट्स देयर? नो, राइट? मेडिकल बैकग्राउंड वहाँ डोमिनेट नहीं करता, वहाँ इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड ही डोमिनेट कर रहा है, नॉन मेडिकल ही डोमिनेट कर रहा है। ओके, सो आई थिंक दैट इज, वो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। ओके रोहित, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड योर क्वेश्चन। यस, ओके, थैंक यू। तो कोई डरने की बात नहीं है, आई एम माई सेल्फ अ कंप्यूटर इंजीनियर, तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो एंड बायोलॉजी इज लाइक वंस डन इट इज डन, प्रोसेस वही होता है, आपको वही रटना होता है, वही लिखना होता है, तो कोई डरने की बात नहीं है बायोलॉजी में। ओके, तो अभी हमने क्या डिसाइड किया है, आपको थोड़ा एक बार सिलेबस का लॉजिक बता दे, वो आपको पास्ट 20 मिनट्स में मैम बता देंगी कि सिलेबस का लॉजिक क्या है, सो दैट आपका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो। कोई भी ऑप्शन लेने से पहले आप सिलेबस देख लो। ओके, और जब पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आई शो यू माय नोट्स, वी आर गोइंग टू शो यू आवर नोट्स कि हमने नोट्स कैसे बनाए हैं। ओके, सो दैट इज द बिगेस्ट हर्डल दैट यू आर गोइंग टू फेस एनीवेयर। तो नोट्स इज द बिगेस्ट हर्डल जो हम आपको दिखाएंगे कि नोट्स कैसे बनाना है। ओके, सो आई हैंड ओवर यू टू मैम। मैम आपको एक बार सिलेबस के थ्रू फास्ट गो थ्रू कराएंगी। ओके, यस मैम, ओवर टू यू। ओके ओके एम आई ऑडिबल गाइज क्लियरली? प्लीज रिप्लाई यस ऑन द चैट बॉक्स एंड प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट देन। यस मैम, यू कैन ओके स्टार्ट। ओके हेलो गाइस, दिस इज प्रणोति। आई एम अ डेंटिस्ट एंड आई हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू दिस ईयर। इट इज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड वी बोथ आर वेटिंग फॉर आर रिजल्ट्स। सो इन बिटवीन वी आर हेल्पिंग यू गाइस टू मास्टर इन योर एंथ्रोपोलॉजी प्रिपरेशन। ओके, सो एज सर्वे सर हैज सेड, हम थोड़ा सिलेबस का डिस्कस करेंगे। सो दैट उसके 2-3 एडवांटेजेस है। एक तो आपको एंथ्रोपोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सेकेंड बात ये है कि यू विल गेट टू नो कि आप एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हो ये ऑप्शनल में। ओके, एंड थर्डली आफ्टर गेटिंग थरो विद द सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू नो कि हम ये ओवरऑल जर्नी में आपको कैसे हेल्प करने वाले हैं। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग विद द सिलेबस। ओके, फर्स्ट इज मीनिंग स्कोप एंड डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। तो मीनिंग क्या है एंथ्रोपोलॉजी का? एज द नेम सजेस्ट, एंथ्रोज इट मीन्स ह्यूमंस। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी इन सिंपल टर्म्स क्या है? ये ह्यूमंस का स्टडी है। ओके, देन नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। स्कोप मतलब एग्जैक्टली जो हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं वो होता है एंथ्रो का स्कोप। तो बाय दैट लॉजिक ये जो भी पूरा सिलेबस है एंथ्रो का, दैट इज योर स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंड देन कम्स द डेवलपमेंट। तो क्या है ना, एंथ्रोपोलॉजी कंपेयर टू अदर सम सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी है, देन सोशियोलॉजी है, कंपेयर टू दिस दीज सब्जेक्ट्स एंथ्रोपोलॉजी इज अ न्यूअर सब्जेक्ट। उसको बस 200 ईयर्स का अराउंड हिस्ट्री है। तो ये शॉर्टर पीरियड में एंथ्रोपोलॉजी एज अ साइंस डेवलप कैसे हुआ वो हम देखेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। ओके, देन कमिंग टू 1.2, दैट इज रिलेशनशिप विथ अदर डिसिप्लिन। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का रिलेशन कैसा है विद द अदर सब्जेक्ट्स, जैसे है इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है। यू कैन सी दैट ऑन द स्क्रीन। तो रिलेशनशिप मतलब क्या, हम देखेंगे कि ये जो सब्जेक्ट्स है उसमें और एंथ्रोपोलॉजी में सिमिलैरिटीज क्या है एंड डिफरेंसेस क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी में सिमिलैरिटी क्या है कि बोथ ऑफ दिस सब्जेक्ट दे स्टडी ह्यूमन सोसाइटी। जैसे कि हम एंथ्रो में भी और सोशो में भी पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, मैरिज पढ़ते हैं, हाउ द इकोनॉमी वर्क्स ये पढ़ते हैं, रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सिमिलैरिटीज है। ओके, बट देयर इज अ डिफरेंस। जो सोशियोलॉजी है दैट एक्सक्लूसिवली फोकसेस ऑन द सोशल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन, वो सिर्फ सोसाइटी पढ़ता है। लेकिन जो एंथ्रोपोलॉजी है
एंथ्रो में हम फिजिकल एस्पेक्ट भी देखते हैं, जैसे कि हम जेनेटिक्स भी पढ़ते हैं, इवोल्यूशन भी पढ़ते हैं, तो ये डिफरेंस है. तो ऐसे ही एंथ्रो का रिलेशन हम बाकी सब्जेक्ट्स के साथ देखेंगे. ओके, नेक्स्ट 1.3, इसमें आता है ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी क्या है. तो इन टोटल देर आर 4 ब्रांचेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, एंड एंथ्रो का जो पूरा सिलेबस है दैट कैन बी कन्फाइंड विद इन दीज 4 ब्रांचेस. ओके, तो फर्स्ट है सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी. तो हम जो सोशो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो ब्रांच है ना एंथ्रोपोलॉजी का, दैट इज क्लोजली रिलेटेड विद सोशोलॉजी. तो हमने जो अभी देखा कि मैरिज कैसे वर्क करता है, फैमिली क्या होती है, ये सब जो हम देखेंगे वो ये पार्ट में देखेंगे. ओके, नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं. एंड ये जो पार्ट है इसे सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है. इसमें हम देखेंगे अगेन कि जेनेटिक्स कैसे वर्क होता है, देन बायोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम ह्यूमंस के, देन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. नेक्स्ट आता है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. तो देखो, फर्स्ट जो ब्रांच था सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें हमने जो सोसाइटी स्टडी करने वाले हैं हम, तो वो क्या है, वो हम प्रेजेंट सोसाइटी के बारे में देखेंगे, है ना. एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, इसमें हम वही चीजें जो मैरिज है, फैमिली है, यही सब देखेंगे, लेकिन वो पास्ट सोसाइटी के बारे में देखेंगे. जैसे कि मानो नियंडरथल मैन है, तो उसके टाइम पे कल्चर कैसा था, ये सब जो हम देखने वाले हैं वो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखने वाले. तो इसका मतलब है आर्कियोलॉजिकल एंथ्रो इज नथिंग बट सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द पास्ट. ओके, देन नेक्स्ट आता है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. आई एम सॉरी दैट इट इज नॉट मेंशनड इन द स्लाइड, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. तो लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेजेस के बारे में. तो लैंग्वेजेस के बारे में हम एंथ्रो के सिलेबस में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज सी एंथ्रो क्या है, ह्यूमंस का स्टडी है. और देर इज वन फीचर कि दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस ह्यूमंस फ्रॉम अदर एनिमल्स, तो वो क्या है, वो लैंग्वेज है. तो इट इज बट ऑब्वियस दैट अगर हमें ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो हमें लैंग्वेजेस के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. तो सिलेबस पॉइंट 1.4 है ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इमर्जेंस ऑफ मैन. ओके, तो इवोल्यूशन क्या है, आपने थोड़ा पढ़ा होगा पहले भी इसके बारे में. तो एज यू ऑल नो, लाइफ स्टार्टेड इन अ वॉटर अराउंड 3.8 बिलियन ईयर्स एगो. ओके, 3.8 बिलियन ईयर्स एगो, एंड इट वॉज अ सिंगल सेल्यूलर लाइफ. ओके, बट नाउ वॉट वी हैव इज वी हैव ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल ओवर द अर्थ. तो ये जो हमारा सफर है फ्रॉम सिंगल सेल्यूलर लाइफ टू दिस ह्यूज डाइवर्सिटी, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन. एंड हमारे पास थिंकर्स की कोई कमी नहीं है, तो बहुत सारे थिंकर्स है, जैसे कि मेन है डार्विन है, लेमार्क है, उन्होंने अपना अपना पर्सपेक्टिव दिया है ये इवोल्यूशन हुआ कैसे है. तो उसके बारे में हम वो प्रोसेस के बारे में थोड़ा जानेंगे इस टॉपिक में. एंड देन आता है इमर्जेंस ऑफ मैन. तो इसका मतलब ये है कि ये जो इवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ उसमें एग्जैक्टली ह्यूमंस का ह्यूमंस कौन से पॉइंट पे आए. तो हम बोल सकते हैं कि अराउंड 3 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 30 लाख ईयर्स एगो, देर वॉज अ इमर्जेंस ऑफ मैन पर्टिकुलरली इन अफ्रीका. तो वहां से हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन जो है वो चालू होता है. देन आता है 1.5, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमेट्स. तो ये प्राइमेट्स कौन है, आप बताओ अभी कि कौन से एनिमल्स है, मतलब सोचो, बताओ, मतलब सोचो कि ऐसे कौन से एनिमल्स है कि जो हमसे बहुत क्लोजली रिलेट करते. तो बट ऑब्वियस है मंकीज है, एप्स है, एप्स मतलब गोरिला चिंपांजी, ये सब जो है एनिमल्स उनसे हम बहुत क्लोजली रिलेट करते, तो उनको बोलते हैं प्राइमेट. तो उनका स्टडी अभी एंथ्रोपोलॉजी में, जो कि ह्यूमंस का स्टडी है, तो उनका स्टडी करना क्यों जरूरी है. जैसे कि मैंने बोला कि वी शेयर मेनी सिमिलैरिटीज, तो ये क्यों है सिमिलैरिटीज, बिकॉज ये इवोल्यूशन का जो प्रोसेस हुआ उसमें वो एनिमल्स, वो प्राइमेट्स और हमारा इवोल्यूशन, वी इवन ह्यूमंस आर प्राइमेट, तो हमारा जो इवोल्यूशन है वो एक पॉइंट तक साथ में हुआ है. ओके, तो इसके लिए अगर हमें ह्यूमन का इवोल्यूशन के बारे में डिटेल में जानना है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी शुड नो सम थिंग्स अबाउट प्राइमेट्स. तो वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्राइमेट्स इन दिस टॉपिक. ओके, नेक्स्ट इज फाइलोजेनेटिक स्टेटस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैन. ओके, तो ये क्या है, जैसे कि मैंने बोला 3 मिलियन ईयर्स एगो मैन वॉज इमर्ज्ड इन अफ्रीका,
तो देखो, अभी जो मैन उस टाइम पे, पहले जो मैन होगा जो है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन, तो उसका जो बायोलॉजी होगा और हमारा जो बायोलॉजी है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेसिन का जो जॉ था वो बहुत बड़ा था, हमारा बहुत छोटा है। ओके, तो ये डिफरेंस है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो अगेन वी कैन से कि ह्यूमंस में भी वो टाइम से आज तक काफी चेंजेस हुए हैं, इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है हमारे स्पीसीज में भी। एंड देर वर डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमंस ऑक्यूपाइंग डिफरेंट टाइम पीरियड्स, हर एक टाइम पीरियड में अलग अलग टाइप के मैन वेर देर। तो स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन से, उसके बाद आया होमो इरेक्टस, उसके बाद आया नियंडरथल, देन देर वॉज रोडेशियन मैन, एंड देन होमो सेपियंस, एंड फाइनली हमें बोलते हैं होमो सेपियंस सेपियंस। वी आर द वाइजेस्ट ऑफ वाइज। ओके, सेपियंस का मतलब होता है वाइज, तो वी आर वाइजेस्ट ऑफ द वाइज। तो ऐसे मैन का इवोल्यूशन भी हुआ। एंड वो थोड़ा हम देखेंगे कि हर एक जो मैन था उसके फीचर्स क्या थे, उसका कल्चर कैसे अलग था, तो दैट वी विल स्टडी। नेक्स्ट पॉइंट है 1.7, दैट इज बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। इसमें बहुत सिंपल चीजें देखो कि सेल है, डीएनए है, डीएनए स्ट्रक्चर, जिनका भी बायोलॉजी होगा उन्होंने ये 11th 12th में या फिर उसके पहले भी पढ़ा होगा। तो इतना सिंपल टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। ज्यादा से ज्यादा तो प्रोटीन सिंथेसिस ही पूछते हैं अगर पूछा यूपीएससी ने, तो अदरवाइज इट इज वेरी सिंपल। ओके, सो नाउ पे अटेंशन कि 1.4 से 1.7 तक हमने जो पढ़ा है, जो हमने ये सिलेबस देखा, ये सब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट। ओके, एंड एज सर्वेश सर हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है और जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है वो लोग ये पार्ट से बहुत डरते हैं, और जो मेडिकल के हैं वो भी कभी कभी डरते हैं। तो ऐसा क्यों है कि जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स है उन्होंने पहले ये चीजें पढ़ी नहीं होती है, तो इसके लिए थोड़ा डर लगता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यह हमारे कोर्स में दो तीन एक चीज है वो एडवांटेजेस है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे को ये जो सिलेबस है उसका बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है। तो आई विल बी सिंप्लीफाइंग दिस सिलेबस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सिलेबस ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी फॉर यू। बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाएंगे आपको, तो आपको इस चीज के बारे में डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एंथ्रोपोलॉजी इजी है। जस्ट दैट आई विल बी सिंप्लीफाइंग दिस फॉर यू सो दैट यू विल बी एडवांटेजेस कंपेयर टू अदर स्टूडेंट। नाउ अगेन, आप चीज को एक हमेशा याद में रखो, अगर आपने अभी डिसाइड किया है कि आप एंथ्रो लेंगे, तो एक चीज हमेशा याद रखो कि जब भी आपको एग्जाम में चॉइस करना पड़ेगा बिटवीन द क्वेश्चंस ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, तो जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे उनको ऐसा लगेगा कि अरे आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ दिस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सोशो का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। तो सोशो के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या है ना कि क्वेश्चंस थोड़े इनडायरेक्ट होते हैं, थोड़े डायनामिक होते हैं, एंड जनरल एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट्स इज कि उसमें स्कोर थोड़ा कम आता है। अगर आप सोशल के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो स्कोर थोड़ा कम आता है, एंड अगर आप इसको कंपेयर करते हो इसके साथ फिजिकल एंथ्रो के क्वेश्चंस के साथ, तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जैसे कि अभी आप ये पॉइंट देखो, इसमें सिलेबस में ही है लास्ट, अभी जो आपके सामने पेज है उसका लास्ट पॉइंट देखो, स्केलेटल चेंजेस ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। मतलब है कि इरेक्ट पोस्चर जो है ह्यूमंस में उसके वजह से क्या चेंजेस हुए हैं बॉडी में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था दिस ईयर के पेपर में, तो इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली सिलेबस से। एंड सेकेंड थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग इज जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी है ना, इट इज लाइक अ मैथ्स कि वंस यू नो द फॉर्मूला यू कैन राइट इट एज इट इज, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन, एंड द स्कोरिंग इज ऑल्सो गुड बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता है तो आप इजीली सॉल्व कर दोगे, इससे स्कोरिंग के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। तो व्हेन एवर यू हैव टू चूज बिटवीन सोशो क्वेश्चन एंड फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन, वाइज पीपल फ्रॉम यू विल चूज द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी क्वेश्चन। एंड उसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपको पढ़ाना कैसे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, देन नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी एंड द कल्चरल इवोल्यूशन। तो हमने देखा अभी प्रीवियस पॉइंट में क्या देखा सिलेबस के, कि ह्यूमंस के बायोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ है, नियंडर था, होमो इरेक्टस था, ऐसे इवोल्यूशन हुआ ना। तो
इसी के साथ जैसे बायोलॉजी में इवोल्यूशन हुआ, जैसे एनाटॉमी में इवोल्यूशन हुआ, वैसे ही कल्चर में भी इवोल्यूशन हुआ. तो कल्चर मतलब बेसिकली क्या है? कल्चर इज द वे ऑफ लिविंग. हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी लिव्स इज योर कल्चर. तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो जैसा ऑस्ट्रेलोपिथेसिनी का कल्चर होगा वो हमसे बहुत डिफरेंट होगा. उसका उसका डाइट, वो ही वॉज अ हंटर गैदरर. ओके, तो हम अभी हंटर गैदरर है क्या? हमारे पास वेल डेवलप्ड इकोनॉमी है. ही वॉज लिविंग इन अ केव, दे यूज टू लिव इन केव. हम अभी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, हाउसेस में रहते हैं. तो कल्चर भी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है. तो कल्चरल इवोल्यूशन में हम वही पार्ट देखेंगे कि कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ. जैसे कि पहले पैलियोलिथिक कल्चर है जिसमें हम स्टोन टूल्स यूज करते हैं, देन है मिजोलिथिक, देन है न्यूलिथिक. न्यूलिथिक मतलब वहाँ ये पॉइंट है जिसमें एग्रीकल्चर चालू हुआ. तो एक बहुत ही ये माइलस्टोन माना जाता है ओवरऑल ह्यूमन हिस्ट्री में. देन है चाल्कोलिथिक पीरियड, देन है कॉपर ब्रॉन्ज एज, एंड देन फाइनली द आयरन एज. तो हम ये सारे कल्चरल स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे. एंड ओके, तो अगर आपने थोड़ा बहुत यूपीएससी का पढ़ना चालू किया है तो आपको पता रहेगा कि ये पार्ट आपको एंशियंट हिस्ट्री में भी कवर होता है. तो इट इज एडवांटेजेस फॉर यू. ओके, देन नेक्स्ट इज 2.1, दैट इज कल्चर. तो एज आई सेड, कल्चर इज द वे ऑफ लिविंग ऑफ एनी ह्यूमन सोसाइटी. उसमें और भी कुछ चीजें आती है जैसे कि मोरल्स है, बिलीफ्स है, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स है एक सोसाइटी के. जैसे कंसिडर करो अभी इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर को हम क्या बोलते हैं कि इंडियन कल्चर इज अ टॉलरेंट कल्चर. हम अतिथि देवो भव पे विश्वास रखते हैं. देन इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी स्पिरिचुअल कल्चर. ओके, बट कंपेयर दिस टू नाउ वेस्टर्न सोसाइटी, उनमें कैसा है? वो सोसाइटी बहुत हम मटीरियलिस्टिक कंसिडर करते हैं. तो ऐसे ही हम कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो कल्चर के बारे में ये टॉपिक में पढ़ेंगे. देन आता है 2.2, दैट इज सोसाइटी. सोसाइटी इन सिंपल वर्ड्स क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. एंड वो ग्रुप ऑफ पीपल रहते कैसे है, वो कुछ कामों का डिविजन कैसे करते हैं, वो हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे. सोशल इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. तो सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या है? कोई ये जो नीचे के सिलेबस पॉइंट्स है जैसे कि मैरिज है, फैमिली है, रिलीजन है, यही सब मतलब तुम्हारे सोशल इंस्टीट्यूशंस है. ओके, तो ये सब के बारे में तो हम थोड़ा शॉर्ट में देखेंगे ये चैप्टर में, क्योंकि आगे उनके डिटेल्ड सिलेबस पॉइंट्स है. ओके, नेक्स्ट इज मैरिज, दैट इज 2.3. तो ये टॉपिक तो इतना इंटरेस्टिंग है कि यू विल फील लकी दैट यू हैव चूजन एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट. तो हमारा आइडिया क्या रहता है मैरिज के बारे में, कि लड़का और लड़की शादी कर लेंगे, फिर लड़की लड़के के घर रहने जाएगी, एंड उसके जो पेरेंट्स रहेंगे वो ग्रूम के पेरेंट्स को कुछ डॉवरी देंगे. ये हमारा जनरल आइडिया है मैरिज के बारे में. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ऐसा हर जगह पे नहीं होता है, पर्टिकुलरली इन ट्राइबल सोसाइटीज. वहाँ पे कुछ कुछ सोसाइटीज ऐसे है जहाँ पे जो लड़का है वो लड़की के घर रहने के लिए जाता है. देन ऑल्सो हमें लगता है कि डॉरी कॉमन है, लेकिन अगर आप पूरे वर्ल्ड में देखोगे तो जो ब्राइड प्राइस है दैट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म रादर देन डॉरी. तो ब्राइड प्राइस क्या है? लड़के की फैमिली पेस टू द ब्राइड्स फैमिली, बिकॉज दे इन दो सोसाइटीज वीमेन आर मोर रिस्पेक्टेड एंड द प्राइस इज गिवन एज अ कंपेंसेशन टू द ब्राइड्स फैमिली. देन और एक सोसाइटी है, हमारे इंडिया के ही ट्राइब्स है कुछ जिनमें मैरिज बाय कैप्चर होता है. तो वो लोग उनका उनके यहाँ पे ऐसा रिचुअल है कि वो लड़की को भगा के लेके जाके शादी करते हैं. देन देयर इज आल्सो वन इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ मैरिज, उसको बोलते हैं मैरिज बाय प्रोबेशन. तो इसमें कैसा होता है कि द गर्ल एंड बॉय दे लिव इन फॉर सम टाइम बिफोर मैरिज. वो कुछ टाइम तक साथ में रहते हैं एंड अगर उनका जमता है सो देन दे कैन डिसाइड अबाउट द मैरिज. तो आप बहुत खुश होंगे कि ऐसी भी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है. एंड आपको सबको लगता होगा कि अरे हमें भी ये सोसाइटी का मेंबर बनना है. तो देखते हैं कि आप बन पाते हो या नहीं. तब तक हम नेक्स्ट सिलेबस पॉइंट देखते हैं, दैट इज 2.4, ये है फैमिली. तो जो चीज मैरिज के बारे में वही फैमिली के बारे में. फैमिली का हमारा जनरल कंसेप्ट क्या है कि चिल्ड्रन दे लिव विद देयर पेरेंट्स, माँ बाप के साथ बच्चे रह लेते.
लेकिन जैसे मैरिज चेंज होता है वैसे ही फैमिली का कंसेप्ट भी चेंज होता है. अभी जो हमने मैरिज का टाइप देखा कि जिसमें लड़का लड़की के घर रहने जा रहा है, तो ये मैरिज टाइप में फैमिली का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा ना, है ना. वैसे ही यूजुअली क्या है कि घर में जो अथॉरिटी रहता है वो मेल मेंबर्स के पास रहता है, मेल मेंबर्स के साथ मतलब फादर के साथ या फिर दादाजी है उनके पास अथॉरिटी जो है, पावर जो है घर का वो रहता है. लेकिन कुछ कुछ सोसाइटीज है जैसे कि नायर सोसाइटी है फ्रॉम केरला, या फिर खासी सोसाइटी है, खासी ट्राइब है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इसमें कैसा रहता है कि दे हैव अ मैट्रियार्कल फॉर्म ऑफ सोसाइटी, उसमें जो है द अथॉरिटी लाइज विद द फीमेल मेंबर्स. तो ऐसे कुछ यूनिक सोसाइटीज भी है, तो वो थोड़ा इंस्पिरेशनल भी है कि ऐसी भी सोसाइटीज एग्जिस्ट करते तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं. जो जिन्हें हम सो कॉल्ड प्रिमेटिव सोसाइटीज बोलते हैं और हम खुद को मॉडर्न बोलते हैं, लेकिन उनसे ही बहुत चीजें सीखने को मिलती है दैट यू विल रियलाइज व्हाइल स्टडिंग सम ऑफ दिस टॉपिक्स. देन नेक्स्ट इज किनशिप. किनशिप मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड्स आपके जो हमारे जो रिलेटिव्स होते हैं उनको हम बोलते हैं हमारा किन. तो अगर हम इंडियन फैमिलीज का बात करें तो हमारे रिलेटिव जितने होते हैं कि इवन अगर फैमिली फंक्शन हो तो भी देर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल देर. अगर आप वेस्टर्न सोसाइटीज के बारे में देखोगे तो यही रिलेटिव्स उनके हैं, वो कुछ सिंगल डिजिट नंबर में रहते हैं, 8 या 10. तो ऐसे किनशिप रिलेशंस बहुत डिफरेंट रहते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड वो हम ये टॉपिक में देखेंगे कि कैसे रिलेटिव्स का कंसेप्ट चेंज होता है. देन द सिलेबस पॉइंट 3 इज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिया का इकोनॉमी देखो आप, हमारे पास क्या है, वेल डेवलप्ड एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है. एंड नाउ हम इंडिया का ही एक ट्राइब देखो आप, चेंचू ट्राइब है इसका आंध्र प्रदेश का, या फिर सेंटिनलीज ट्राइब देखो. जो सेंटिनलीज के बारे में तो आप में से बहुत ने पढ़ा होगा या देखा होगा यूट्यूब पे. तो ये जो ट्राइब है सेंटिनलीज, ये रहती है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे. तो वो लोग अभी भी हंटर गैदरर्स है, वो ऐसे ही उनका गुजारा चलता है. उनके पास कोई एग्रीकल्चर नहीं है, कोई इम्प्लीमेंट्स नहीं है, इंडस्ट्रीज का तो बात ही मत करो. और वो लोग इतने आइसोलेटेड है अभी तक भी कि इवन इफ हेल्प करने के लिए भी बाकी आउटसाइड वर्ल्ड का कोई आता है और उन्हें अगर वो पानी में दिखता है, वो लोग आइलैंड पे रहते हैं ना, तो कोई भी अगर दूर से भी आ रहा है ऐसा दिखता है तो वो तीर मारने चालू कर देते हैं सीधा. तो वहां पे एंट्री ही नहीं है, इतना आइसोलेटेड है. तो और कुछ कुछ हम अभी मनी का यूज करते हैं वाइडली, लेकिन सेंटिनलिस का ही बात करो या फिर बाकी के जो थोड़े अभी भी आइसोलेटेड ट्राइब्स है वहां पे मनी सिस्टम नहीं चलता है, वो लोग बार्टर सिस्टम ही यूज कर देते हैं, वो चीजें एक्सचेंज करते हैं रादर देन यूजिंग मनी. तो ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम भी है वो वाइडली डिफर करता है. तो उनके बारे में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे. देन आता है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल कंट्रोल. तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे अभी वाइडली जो फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम यूज किया जाता है वर्ल्ड में वो क्या है, वो है डेमोक्रेसी, जिसमें हम लीडर इलेक्ट करते हैं. लेकिन अभी आप ओराउंड ट्राइब देखो, ये सेंट्रल इंडियन ट्राइब है, उनमें क्या है, उनमें अभी भी कंसेप्ट ऑफ ट्राइबल लीडर है. तो वो जो लीडर है वो इलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इट इज एन इनहेरिटेड पोस्ट. मतलब यू कैन से कि वहां पे अभी भी राजा का बेटा ही राजा बनता है. तो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम उनमें थोड़ा अलग रहता है. ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल मतलब सोसाइटी में क्राइम के लिए पनिशमेंट का क्या अरेंजमेंट है. तो हमारे पास पुलिस है, वी हैव अ वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड देन द पनिशमेंट ऑफ जस्टिस. ओके, बट अगर आप कोई अफ्रीकन ट्राइब कंसिडर करो तो उसमें अभी भी आई फॉर आई सिस्टम रहता है क्राइम पनिशमेंट के लिए. जैसे कि किसी ने मर्डर किया हो तो उसको सजा के तौर पे उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी, और कभी कभी सिंपल सिंपल क्राइम्स के लिए भी बहुत ज्यादा पनिशमेंट रहता है. जैसे कि किसी ने मुर्गी भी चुराई है तो उसको सिवियर पनिशमेंट मिल सकता है, यहाँ तक कि उसको डेथ पेनल्टी भी मिल सकता है. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रहता है ये थिंग्स टू लर्न. एंड हम समझ सकते हैं कि कितना डाइवर्सिटी है ओवरऑल सोसाइटी में. देन आता है रिलीजन. तो रिलीजन अगर हम देखें तो वाइडली देर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजन.
एक है पॉलीथीज्म. पॉलीथीज्म मतलब वो रिलीजन में मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल है हिंदू, हिंदुइज्म. हिंदुइज्म में बहुत सारे गॉड्स है. एंड देन अनदर टाइप इज मोनोथीज्म. उसमें क्या होता है, एक सिंगल गॉड को ही वर्शिप करते हैं. तो एग्जाम्पल है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी. ओके, तो हम ये टॉपिक में देखेंगे कि कैसे रिलीजन वाइडली डिफर करता है. जैसे अगर हम अगेन इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, तो उनमें गॉड का कंसेप्ट ही नहीं रहता है. वो लोग क्या है, वो वर्शिप करते हैं प्लांट्स को एंड एनिमल्स को. उसको बोलते हैं टोटेमिज्म. तो उनका रिलीजन बहुत डिफरेंट रहता है देन आर रिलीजन और द वाइडली प्रैक्टिस रिलीजन. एंड ऑल्सो ये टॉपिक में हम देखेंगे कि व्हाई द रिलीजन बेसिकली एग्जिस्ट. ओके, तो एक थियोरी है ये टॉपिक में. वो जो बोलते वो थियोरी बोलते हैं कि रिलीजन एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द फियर. तो हमारे इंसान के मन में जो डर है उसके वजह से रिलीजन एग्जिस्ट करता है. इंसान डरता है कि कभी कहीं कोई नेचुरल आपत्ति ना आ जाए, कहीं मौत का डर है. ये बहुत सारे जो फियर एग्जिस्ट करता है ना, उसके वजह से रिलीजन इज देयर. तो ये टॉपिक इतना मजेदार है, इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको रिलीजन के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेगी एंड यू विल लर्न मेनी न्यूअर थिंग्स. एंड अभी जो कुछ कुछ कम्युनलिज्म की बातें चलती रहती है सोसाइटी में, तो आपके मन में कभी कभी डिलेमा रहता है रिलीजन के बारे में कि एग्जैक्टली क्या है. तो हमारा जो सिलेबस है ना, इसमें ये बहुत रिलीजन को रैशनली एक्सप्लेन किया है. तो कुछ कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में भी आपको डिलेमा रहते हैं, वो सॉल्व करने के लिए भी रिलीजन ये टॉपिक है, वो आपको हेल्प करेगा. देन देखो, हमने अभी 2.1 से 5 तक जो पार्ट देखा ना, दैट कम्स इन सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, जैसा आपको पता चला ही होगा. तो इसमें हमने देखा कि जो चीजें हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं कल्चर के बारे में, फैमिली के बारे में, मैरिज के बारे में, तो जो हम प्रैक्टिस करते हैं वही अल्टीमेट नहीं है. दुनिया में ऐसे बहुत सारे सोसाइटीज है जिनमें ये सबके बहुत डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स प्रैक्टिस किए जाते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजी का ये बहुत एक अच्छा बात है कि ये कोई भी फॉर्म है कल्चर का, उसको कभी भी प्रिमिटिव या फिर नीचा नहीं समझा जाता. ये सब हमें इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वही नॉर्मल नहीं है. देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड एंड वो ये सब मिला के एक्चुअली जो नॉर्मल सी है वो बनती है, ना कि सिर्फ हमसे बनती है. तो एंथ्रोपोलॉजी हमें सिखाता है कि कैसे बाकी के कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट किया जाए. खुद के कल्चर का तुम्हें प्राइड तो रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को कम समझो. तो ये बहुत एक अच्छा अप्रोच तुम्हें पढ़ने के बाद आएगा. तो एंड वो ना ही तुम्हें एंथ्रो में स्कोर करने के लिए, बट ऑल्सो दैट विल हेल्प यू इन ओवरऑल life and even in administration when you become officers. Then aata hai anthropological theory. Now I want you guys to pay much attention, because if there is a one topic, okay, which you can consider as most important, not only paper one but also in the whole syllabus of anthropology, that is anthropological theory. So aisa main kyu bol rahi hu, iske piche do teen reasons hai. फर्स्ट तो ये है कि इट इज सेड दैट वंस यू अंडरस्टैंड द एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज, यू कैन मास्टर एंथ्रोपोलॉजी. वंस यू नो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज, यू कैन अंडरस्टैंड होल एंथ्रोपोलॉजी. सेकेंड थिंग ये है कि इसमें देखो, ये थियरीज इस तरह से कुछ है कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो प्रैक्टिकली आप कोई भी क्वेश्चन में, मतलब लिटरली कोई भी क्वेश्चन में आप एंथ्रोपोलॉजी के एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज, ये जो थियरीज हम पढ़ने वाले हैं, इसका रेफरेंस आप कोई भी क्वेश्चन में दे सकते हो. एंड एक्चुअली यही एंथ्रोपोलॉजी की खासियत है कि कोई भी आप एक सिलेबस को पॉइंट उठाओ एंड वो आप दूसरा क्वेश्चन है उसमें भी, दूसरे सिलेबस पॉइंट से क्वेश्चन है उसमें भी आप उसका रेफरेंस कुछ ना कुछ लिख सकते हो. जैसे कि फिजिकल एंथ्रो का क्वेश्चन है, तो यू कैन राइट सम रिलेवेंस ऑफ सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो. एंड ये जो इंटरलिंकेजेस होते हैं ना, पेपर टू का कुछ है क्वेश्चन तो पेपर वन के बारे में लिखना, या फिर पेपर सिलेबस का एक पॉइंट के बारे में पूछा तो दूसरे का कुछ रिलीवेंस देना वहां पे, या फिर कोई कोई क्वेश्चन में थ्योरी सपोर्ट करना, इसको हम इंटरलिंकेजेस बोलते हैं. और ये अगर आप कर सकते हो ना, तो एंथ्रो में बहुत अच्छा स्कोर आता है. और वो स्कोर क्यों आता है कि एंथ्रोपोलॉजी का ये फीचर है, इसको होलिज्म बोलते हैं. इसका मतलब है किसी भी चीज को सारे एंगल से देखना. तो आप जब ऐसा इंटरलिंक करते हो ना पेपर में, तो
जो एग्जामिनर रहता है तुम्हारा रहते हैं वो यूजुअली एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहते हैं या फिर एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रहते हैं इन यूनिवर्सिटीज, तो उनको ये चीजें इनको ये चीज बहुत अच्छी लगती है कि यू हैव अंडरस्टूड कि एंथ्रोपोलॉजी है क्या. उनको ऐसा इंडिकेशन जाता है ऐसे अप्रोच से कि आपको पता है एंथ्रोपोलॉजी क्या है, आप होलिज्म के बारे में जानते हो इसलिए आप ऐसा इंटरलिंक करके लिख रहे हो, तो वो मैसेज जाता है. एंड इसलिए आप ये पॉइंट हमेशा याद रखो कि सब मिक्स करके लिखना सीखो आप, एंड थेरीज का रेफरेंस हमेशा देना है जितना होता है उतने सारे क्वेश्चन. ओके, तो ये थेरीज एग्जैक्टली क्या है, तो हमने कल्चर के बारे में पढ़ा. कल्चर क्या है, इट इज अ वे ऑफ लिविंग. तो एंथ्रोपोलॉजिकल थियरीज मतलब ये है कि बहुत सारे थिंकर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिन्होंने वर्क करके रखा है पहले ही. तो ये सब एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना अपना पर्सपेक्टिव दे रहे हैं ये टॉपिक में कि ये कल्चर बाबा एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुआ है. तो एग्जाम्पल के तौर पर हम फर्स्ट थियरी रखते हैं, दैट इज क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म. तो इसका ये थ्योरी का क्या मानना है कि जो जो कल्चर है ना वो ऐसे एब्रप्टली नहीं आए, ये डेवलप हुआ है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. मतलब जो हमने इवोल्यूशन देखा ना कल्चर का, पैलियोलिथिक टू आयरन एज, तो ऐसे ये कल्चर का भी इवोल्यूशन हुआ है. कल्चर पहले बहुत सिंपल था और बाद में ये बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ है. फॉर एग्जाम्पल आप मैरिज कंसिडर कर लो, मैरिज एक पार्ट है ना कल्चर का. तो ऑस्ट्रेलोपिथेसिनी के टाइम पे देख लो या फिर नियंडरथल के टाइम पे देख लो, देर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ मैरिज. एनी मैन कैन ब्रीड विद एनी वुमन, देर वेर नो रिस्ट्रिक्शंस, दे कैन हैव मल्टीपल पार्टनर्स, दे कैन हैव नंबर ऑफ चिल्ड्रन. बट नाउ कंसिडर टूडेज मैरिज, ओके इट इज मोर ऑफ, उसको थोड़ा सोशल स्टेटस का एंगल है, वो एक वेल एलैबोरेटेड बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से वेडिंग्स होते हैं, मैरिजेस होते हैं. देन उसको थोड़ा इकोनॉमिक एंगल भी है कि ब्राइड प्राइस, डाउरी, ये सब होता है, डाइवोर्स का अलग से सिस्टम है, रिचुअल्स होते हैं. तो पहले जो बहुत सिंपल था कि भाई कुछ भी कर लो, उससे ये जो अभी है वो बहुत कुछ कॉम्प्लेक्स करके रखा है. तो कल्चर ऐसे ही इवॉल्व हुआ है, ऐसे ये थ्योरी का मानना है. तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स है कि कल्चर डेवलप कैसे हुआ. और अगर आप ये चीज को अच्छे से समझ लोगे और इंटरेस्ट लोगे तो पूरा एंथ्रोपोलॉजी आई थिंक आपको इजी जाएगा. नेक्स्ट आता है पॉइंट 7, दैट इज कल्चर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन. I hope I am audible to everybody. Okay. Please mention in the chat box. Hello. Sarvesh, am I audible? Yes. Yes, you are audible. Yes, okay. Audible. Okay. Continue? Okay. So I am continuing with the topic number 7. That is culture, language, and communication. Okay. So, as you can see from the name itself, ये पार्ट है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का. और जैसे मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज एक बहुत ही क्लासिकल फीचर है ह्यूमंस का, तो इसलिए हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे कि लैंग्वेज एग्जैक्टली कैसे उसका ओरिजिन हुआ, एंड ओवर द पीरियड लैंग्वेज डेवलप कैसे हुआ, लैंग्वेज अभी सोशली कैसे इम्पोर्टेंट है, वो सब कुछ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ेंगे ये टॉपिक में. देन आता है रिसर्च मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज टॉपिक नंबर 8. तो ये थोड़ा थियोरेटिकल टॉपिक है बट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है. अगर आपको बस इसमें रट्टा मारना है ये क्या है कि ये दीज आर द डिफरेंट रिसर्च टेक्निक विच आर यूज्ड बाय एंथ्रोपोलॉजिस्ट व्हाइल दे डू द रिसर्च. ओके, तो बहुत थियोरेटिकल है, सिंपल है. आपको अगर रट्टा मारा तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो बस कॉपी पेस्ट करना है आपको. तो एक हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं इसमें से रिसर्च मेथड, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया. तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही क्लासिकल एक एंथ्रो में रिसर्च मेथड यूज किया जाता है, दैट इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. तो उसमें क्या करते हैं जो भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहेगा, रिसर्चर रहेगा, अगर उसको एक ट्राइब स्टडी करनी है या फिर एक सोसाइटी स्टडी करनी है, तो वो खुद जाके वो सोसाइटी में रहते हैं, वो सोसाइटी का मेंबर बन जाते हैं. उनके सारे रिचुअल्स, उनके बिलीफ जो है, कस्टम्स है, वो सोसाइटी वर्क कैसे करती है, ये पूरा जानते हैं क्योंकि वो ट्राइब का ही खुद मेंबर बन जाते हैं. कुछ कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है वैरियर एल्विन, ही वॉज वेरी फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट. एंड उसने वो जो ट्राइब में वो रहते थे
उनके साथ ही उसमें से एक लड़की के साथ उन्होंने शादी कर ली, तो इतना इन्वॉल्व रहते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इवन रिसर्च क्वालिटी भी उससे बेटर होता है। ओके, तो ऐसे डिफरेंट रिसर्च मेथड्स थे जो हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। नाउ अगेन फ्रॉम 9.1 वी आर स्विचिंग टू द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पार्ट। एंड अगेन आई एम टेलिंग दैट आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम इसको बहुत ही सिंपलीफाई करके आपको पढ़ाने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है 9.1, दैट इज ह्यूमन जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स ये वर्ड तो आपने सबने सुना है। ओके, तो जेनेटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है? हमने इवोल्यूशन के बारे में देखा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कुछ तो प्रोसेस हुआ जिससे जो सिंगल लाइफ फॉर्म था उससे बहुत ज्यादा डाइवर्स किया है। तो इसके लिए जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है जीन्स। तो ये एक सिग्निफिकेंस हुआ जीन्स का। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो जेनेटिक्स का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम में से बहुत सारे लोग, मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं हम में से, वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। अगर बहुत कुछ नहीं हुआ तो नाक तो कम से कम पेरेंट जैसे होती है, या फिर आंखें तो होती है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पेरेंट्स हमें दे गिव अ पार्ट ऑफ देयर जीन्स टू अस, एंड ये जो जीन्स होते हैं दे एक्ट एज अ मैसेंजर एंड दे कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू अस। ओके, तो दिस इज वाई बहुत सारी सिमिलैरिटीज रहती है। तो ये जो जीन्स है वो इनहेरिटेंस का भी काम करते हैं। तो एग्जैक्टली ये सब प्रोसेस कैसे होता है, जेनेटिक्स वर्क कैसे करता है, उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, वो सब जो है वो ये पार्ट में आता है। नेक्स्ट पार्ट है क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। ओके, तो मैंने ये बोला आपको कि पेरेंट्स जो है उनसे जीन्स हमारे पास आते हैं एंड वो इनहेरिटेंस करते हैं कुछ कुछ कैरेक्टर्स। तो देखो एक सेट आपको पेरेंट्स बोथ बोथ पेरेंट्स से एक एक सेट आएगा, मैटरनल साइड से मतलब मदर के साइड से एक सेट सेट आएगा जीन्स का, और एक पैटर्नल साइड से आएगा, एक फादर के साइड से आएगा। और ये दोनों का परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जीन्स का होके हमारा जो अभी जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो बनेगा। लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है हमारे बॉडी में, तो उसके टाइम पे कभी कभी अगर मिस्टेक हुआ कुछ, ये जेनेट जीन्स का जो मिक्सचर होता है उसके टाइम पे, तो इट कैन गिव राइज टू सम डिसीज। तो उसमें अगर सबसे फेमस कौन सा डिसीज होगा हमें डिस्कस करना है, तो वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के पेशेंट तो ऑलमोस्ट आप सबने देखे होंगे। तो उसमें क्लासिकल फीचर क्या रहता है उनका, थोड़ा मूनलाइट फेस रहता है जिसको हम मंगोलाइट बोलते हैं। उनके दांत बहुत छोटे रहते हैं और दांत का नंबर भी कम रहता है। देन उनके जो नॉस्ट्रिल्स है वो थोड़ा वाइडली ओपन रहते हैं। उनका थोड़ा आईक्यू भी थोड़ा बहुत कम रहता है, तो दे कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड। तो ऐसे ही कुछ डिसऑर्डर्स है वो हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। देन है 9.5, दैट इज रेस एंड रेसिज्म। तो रेस बेसिकली क्या है? आप कंसिडर करो कि अफ्रीकन पीपल है, तो अफ्रीकन पीपल क्या होते हैं? डार्क स्किन्ड पीपल होते हैं, है ना? तो ऐसा क्यों है? सिंपल लॉजिक है कि अफ्रीकन पीपल जो है वो रहते हैं ट्रॉपिकल एरिया में, राइट? तो वहां पे सनलाइट को वो ज्यादा एक्सपोज रहते हैं। तो जो यूवी रेज है, अल्ट्रा वायलेट रेज है, उनसे बचने के लिए, उनसे प्रोटेक्शन के लिए उनके स्किन में मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा रहता है, इसलिए उनका स्किन जो है वो डार्क रहता है। अगर आप ये यूरोपियन लोगों से कंपेयर करो तो उनको स्किन सनलाइट से एक्सपोजर कम रहता है, इसलिए मेलानिन पिगमेंटेशन कम है, इसलिए उनका स्किन जो है वो फेयर रहता है। तो इतना सिंपल ये एक बायोलॉजिकल ये एडेप्टेशन है। अगर आप इसको देखो ये चीज को अच्छे से, तो ये जो फिजिकल डिफरेंसेस है वो क्या है, वो एक्चुअली एनवायरमेंट के साथ एडेप्टेशन हुआ है। ओके, लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो कुछ इस तरह से इवॉल्व हुई है कि हम ये जो फिजिकल डिफरेंसेस है बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन, उनको हम सोशल डिफरेंसेस मानते हैं। जैसे कि यूरोपियंस है या फिर जो फेयर स्किन पीपल है जिनको कॉकोसल रेस बोलते हैं, एंड जो अफ्रीकन पीपल है उनको निग्रोइड रेस बोलते हैं, तो ये खुद को सुपीरियर समझते हैं देन अदर रेसेस, पर्टिकुलरली द निग्रोइड रेसेस। और ये जो कुछ बहुत ही बुरी कंसेप्ट है इसको बोलते हैं रेसिज्म। एंड एंथ्रोपोलॉजी ने इसके लिए एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव दिया है। एंथ्रोपोलॉजी जो है रेसिज्म को नहीं मानता है, और इवन वो प्रमोट करता है कि कैसी ये कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो आपको ना ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट
रियल लाइफ में भी बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव्स मिलेंगे इसके बारे में कि कैसे हम स्किन कलर के बेसिस पे लोगों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, और उसका रैशनल, उसका साइंटिफिक बेस क्या है, वो हमें इस टॉपिक के बारे में पता चलेगा. इवन नाउ देयर इज एन ऑनगोइंग डिबेट ऑन रेसिज्म. वी हैव ऑल पोस्टेड लाइक डार्क लाइव्स मैटर ऑन आवर सोशल मीडिया. दिस डिबेट स्टार्टेड बिकॉज ऑफ एन अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ अ पर्सन इन यूएसए. सो ये थोड़ा करंट रिलीवेंस है अभी इस साल में, तो क्वेश्चन आ सकता है देखो ये टॉपिक में. ओके, नेक्स्ट इज 9.6, दैट इज एज, सेक्स एंड पॉपुलेशन वेरिएशन. तो देखो इसमें ना, ये टॉपिक में ये थोड़ा बायोलॉजिकल टॉपिक है लेकिन बहुत ही सिंपल है. इसमें ना कुछ कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, आप सिलेबस में पढ़ सकते हो, जैसे कि एच बी लेवल है, बॉडी फैट है, पल्स रेट है. सो ये सब जो इंडिकेटर्स है वो एज वाइज और सेक्स वाइज कैसे डिफर होते हैं, वो हम ये टॉपिक में पढ़ेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल ले लो एच बी का, दैट इज हीमोग्लोबिन. तो हीमोग्लोबिन जो है वो मेल्स में बहुत ज्यादा रहता है देन फीमेल. ओके, तो इसके वजह से एक डिसीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके वजह से कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एनीमिया, जो बिकॉज ऑफ द लो हीमोग्लोबिन लेवल्स होता है. तो अगर आप सिर्फ इंडिया का बात करते हो तो मोर देन 60% वीमेन दे हैव एनीमिया. तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक जो प्योर बायोलॉजिकल है ये हमें इसमें क्यों दिया है. बिकॉज सी, अगर एनीमिया हो रहा है तो अराउंड 60% ऑफ वीमेन अफेक्ट कर रहे हैं, तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत ज्यादा नंबर हुआ. 60% ऑफ वीमेन इज अ बिग नंबर जिनको एनीमिया है. तो उसको ट्रीट करने के लिए कोई ना कोई तो पॉलिसी लानी पड़ेगी, कोई तो स्कीम लानी पड़ेगी. ओके, और तो ऐसे स्कीम एग्जिस्ट भी करती है, जैसे कि नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, और देन ऑल्सो FSSAI के बारे साइड से भी कुछ स्कीम्स है जिसमें फॉलिक एसिड वगैरह देते हैं वो ऑन अ रेगुलर इंटरवल. तो कुछ कुछ जो बायोलॉजिकल वेरिएशन है उसका सिग्निफिकेंस जो है वो पॉलिसी मेकिंग के लेवल तक भी आता है, और हम सब अल्टीमेटली क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स बनने वाले हैं ना, तो इसलिए ये पढ़ना भी जरूरी है कि कैसे डिसीज के वजह से पॉलिसी अफेक्ट होता है. तो इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं एंथ्रोपोलॉजी में. देन है 9.7, दैट इज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स क्या है कि ह्यूमंस जो है वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कैसे करते हैं ना, उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. जैसे कि आप एग्जांपल लो इसका, डेजर्ट सिचुएशन का, हॉट डेजर्ट का, तो सहारा ले लो. तो ह्यूमंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि जो बाकी के एनिमल्स है ना, उनको अगर एनवायरमेंट से अडेप्ट होना है तो वो सिर्फ फिजिकली अडेप्ट होंगे. हम एक ऐसी, वी आर द ओनली स्पीसीज who will be adapting both culturally as well as physically. So, अगर hot desert में हम देखते हैं तो physical adaptation क्या रहेगा? Desert में sweating बहुत ज़्यादा होता है, so that too जो heat है वो बाहर निकलती है body से. Also, वो लोगों में fat deposition बहुत कम रहता है, बहुत lean body रहती है उनकी. और अगर हम ये होगा physical adaptation, और अगर हम culturally कैसे adapt होते वो देखेंगे, तो सहारा में अगर कोई इंसान रह रहा है तो ही विल बी वेयरिंग व्हाइट क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम द सनलाइट. ऑल्सो दे विल इंक्लूड मोर ऑफ वाटरी फ्रूट्स इन देयर डाइट. ओके, सो एज टू कंपेंसेट फॉर अ लो वाटर इनटेक, बिकॉज वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी कम रहेगा, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए. तो ऐसे हम ना ही सिर्फ फिजिकली बट कल्चरली भी अडेप्ट होते हैं. एंड ये एंथ्रोपोलॉजी के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए आप और एक चीज एंथ्रोपोलॉजी के बारे में बहुत अच्छे से ध्यान में रखो कि एंथ्रोपोलॉजी ना फिजिकल एंड कल्चरल जो पार्ट है उसको एज अ सेपरेट नहीं डील करता है, वो कुछ इंटीग्रल तरीके से उनको देखता है. जैसे कि अडेप्टेशन के बारे में हमने अभी पढ़ा कि ना ही सिर्फ फिजिकल अडेप्टेशन होता है, कल्चरली अडेप्टेशन भी होता है. जैसे हम इवोल्यूशन के बारे में देखा, ना ही फिजिकल इवोल्यूशन हुआ है, ऑल्सो कल्चरल इवोल्यूशन भी हुआ है. तो ये एंगल आप हमेशा अपने दिमाग में रखो कि एंथ्रो है ना, तो फिजिकल के साथ सोशल एंगल, कल्चरल एंगल कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में लाना है, सो दैट वो जो एग्जामिनर होगा उसको पता चलेगा कि आपको एंथ्रो क्या है वो समझा है, एंड ही विल गिव यू मोर मार्क्स कंपेयर्ड टू अदर्स. देन है एपिडेमियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. अगेन डिसीज, हमारा पर्सपेक्टिव क्या है डिसीज के तरफ, कि डिसीजेस जो होते हैं दैट आर बिकॉज ऑफ पैथोजेंस,
जैसे कि वायरसेस है, बैक्टीरियाज है, फंजाई है, इसके वजह से डिजीज होते हैं। लेकिन अगर अगेन एंथ्रोपोलॉजी थोड़ा अलग तरीके से सोचती है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि इस ब्रांच में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि डिसीजेस आर नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ पैथोजेंस, बट उसमें कहीं ना कहीं अगेन कल्चरल उसका इन्फ्लुएंस रहता है। तो एग्जाम्पल कंसिडर करो, अगेन देखो विटामिन डी सिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है, हमें पता है। तो कुछ कुछ सोसाइटीज है, जैसे कि इस्लाम है, तो इस्लाम मुस्लिम विमेन जो रहती है वो मोस्टली बुरखा पहनती है। बिकॉज ऑफ दैट क्लोथ दैट दे आर वेयरिंग, सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट इजिली टू देयर स्किन। तो मुस्लिम विमेन जो होती है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव दैट उनमें विटामिन डी डिफिशियंसी होने का चांस बहुत ज्यादा है। तो ये डिसीज हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? कल्चर के वजह से हो रहा है। अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में भी देखें तो यू कैन ऑल रिलेट दिस। अभी कोरोना का जब चालू हुआ पैंडेमिक, तो सबसे वर्स्ट हिट इनिशियल पार्ट में कंट्री कौन सी थी? दैट वाज इटली। ओके, सो इटली के अथॉरिटीज को जब इनिशियली पता चला कि ये जो कोरोना का डिसीज है, ये जो महामारी है, ये चाइनीज ट्रेवलर्स और चाइनीज सिटीजन्स के वजह से हो रही है, तो दे स्टार्टेड इम्पोजिंग सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द चाइनीज पीपल एंड चाइनीज ट्रेवल। बट इटली देखो यूरोपियन कंट्री है एंड ये बहुत ही लिबरल कंट्री है, तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने इम्पोज किए, तो वहाँ के जो सिटीजन्स थे उन्होंने उसको ऐसे लिया कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, दे आर अटैक ऑन आर फ्रीडम, दे आर अटैकिंग आर लिबर्टी। उनका ईगो हर्ट हो गया, तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने खुद से ही मूवमेंट चालू किया कि गवर्नमेंट जो बोल रही है उसको नहीं मानना है, उल्टा हम चाइनीज पीपल को हग करेंगे। उन्होंने हगिंग द चाइनीज पीपल मूवमेंट चालू किया, उनके साथ कॉन्टेक्ट बढ़ाया, और उसका रिजल्ट क्या हुआ वो तो हम सबने देखा है टीवी पे, कि लिटरली देर वॉज वहां पे बॉडीज उठाने के लिए भी लोग नहीं थे। तो अगेन यहाँ पे नॉट इन द ओरिजिन ऑफ डिसीज, बट डेफिनेटली जो स्प्रेड है डिसीज में, उसने कल्चर ने रोल प्ले किया है। तो ऐसे ही डिसीज एंड कल्चर का कनेक्शन रहता है। नेक्स्ट पार्ट में कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि स्टार्टिंग विथ फर्टिलाइजेशन, स्टार्टिंग विथ फर्टिलाइजेशन टू डेथ, ह्यूमन बॉडी कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से जाती है, ग्रोथ कैसे होता है। जैसे कि पहले प्रीनेटल ग्रोथ है, प्रीनेटल मतलब जो यूटेरस में होता है, बर्थ के पहले जो हमारा ग्रोथ होता है उसको बोलते हैं प्रीनेटल ग्रोथ। देन होता है नेटल मीन्स ड्यूरिंग बर्थ, देन आता है इन्फेंसी स्टेज, उसके बाद है चाइल्डहुड, देन आता है एडोलसेंस, देन मैच्योरिटी, सीनेसेंस एंड फाइनली डेथ। ओके, तो अगेन हम ग्रोथ क्यों पढ़ रहे हैं? तो ग्रोथ का जो प्रोसेस है बहुत सारे लोगों में नॉर्मल रहता है, लेकिन ग्रोथ को जो इन्फ्लुएंस करते हैं ना फैक्टर्स, वो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे जो हमारे हाथ में है। जैसे कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का बहुत ज्यादा इफेक्ट है ग्रोथ पे पड़ता है। और अगर इंडिया की बात करें हम, तो इंडिया हैज अ डबल बर्डन ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं, अंडर नरिश्ड बच्चे हैं बहुत सारे, जिनको दे लैक द न्यूट्रिशन। और हमारे पास साइमल्टेनियसली ओबेस बच्चे भी बढ़ रहे हैं, ओबेसिटी का प्रॉब्लम भी बहुत सीवियर हो रहा है। सो इंडिया हैज अ डबल बर्डन। सो अगेन व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, उसका पॉलिसी इम्प्लीकेशन है ये पार्ट का, कि अगर ओबेसिटी है और अंडर न्यूट्रिशन है, तो दोनों को डील करने के लिए हमें कुछ कुछ ना कुछ पॉलिसी के थ्रू करना चाहिए, इसलिए हम ये एंथो में पढ़ रहे हैं। देन आता है रिलेवेंस ऑफ मेनार्च, मेनोपॉज एंड अदर बायो इवेंट टू द फर्टिलिटी। तो फर्स्टली ये मेनार्क क्या है, मेनार्क का मतलब जब मेंस्ट्रुएशन चालू होता है विमेंस में, उसको बोलते हैं मेनार्क। एंड मेनोपॉज मतलब मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, इट टर्मिनेट्स। तो अराउंड फ्रॉम 13 ईयर्स टू 45 ईयर्स, इसके बीच में ये जो पीरियड है उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड ऑफ विमेन। तो ये जो पीरियड है उसमें विमेन दे कैन बियर द चिल्ड्रन, वो बच्चा पैदा कर सकती है। तो अगर बायोलॉजिकली हम देखें तो कोई भी अगर सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो एक पर विमेन वी कैन हैव एक एक विमेन जो होती है शी कैन हैव अराउंड 32 चिल्ड्रन। बट ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है रियलिटी में, बिकॉज वी लिव इन अ सोसाइटी एंड देर आर मेनी रिस्ट्रिक्शंस। कि शादी के पहले वुमेन डोंट हैव दे कैनॉट बियर चिल्ड्रन। देन आता है इवन आफ्टर द मैरिज
there can be death of a partner, they can use precautions and many such factors are there, which reduces the fertility. So mostly there are 2 to 3 children per woman. तो अगेन देखो जो बायोलॉजी है उसको अफेक्ट कौन कर रहा है, कल्चर कर रहा है. तो ऐसे ही कुछ कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो हम इसमें पढ़ेंगे. देन आता है फाइनली द एप्लीकेशंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. ये लास्ट पॉइंट है इसका, एंथ्रो का पेपर 1 का. तो अभी तक हमने जो जो अच्छी अच्छी बातें पढ़ी है एंथ्रो के बारे में, तो वो हम इस उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करते हैं वो हम ये पॉइंट में, ये टॉपिक में देखने वाले हैं. एंथ्रोपोलॉजी के न्यूमरस एप्लीकेशंस है, जैसे कि हमने एक पहले ही देखा है पॉलिसी मेकिंग में एंथ्रो का कितना यूज होता है. देन स्पोर्ट्स में है, डिफेंस में है, फॉरेंसिक्स में है. तो बहुत इवॉल्व हो रही है एंथ्रोपोलॉजी, बहुत सारी नई चीजें आ रही है. एंड वो प्रैक्टिकली भी, पहले एंथ्रोपोलॉजी बहुत थियोरेटिकल था कि सिर्फ हम आप बैठो और पढ़ो और उसका कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कम थे. लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रहा है एंथ्रोपोलॉजी बहुत वाइडली अप्लाई हो रही है सारे सेक्टर्स में. तो वी आर गोइंग टू स्टडी इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड पार्ट 1 एंड वेरी क्लियर अबाउट इट. सो प्लीज मेंशन इन चैट बॉक्स इज इट सो प्लीज गाइज. एंड इन बिटवीन आई वुड लाइक यू ऑल I would like to tell you all that along with optional, we at HVD CEC also have a comprehensive course for GS, that is General Studies. It is a full-length 1-year course that you can also join. And for that, you can also contact us in the numbers given. Okay. So now I am handing over to again to Sarvesh. He will be showing you some notes so that before switching to paper 2, the presentation doesn't become monotonous and you will be knowing some interesting things about how notes making is done. Okay, Sarvesh? Yes. Okay, are you now ready? I'm ready. Okay, so I'm... Okay, abhi humne paper 1 ka syllabus dekha hai. Now, for a change, thoda monotony break karne ke liye, apne ko abhi jiska most awaited part hota hai, ki notes kaise milenge. क्योंकि मेन दिक्कत क्या हो रहा है एंथ्रोपोलॉजी में कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी. आप जितने भी टेलीग्राम ग्रुप खोल लो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो, यस सर्वेश, यस यस. आप जितना भी कुछ नेट पे देख लो, टेलीग्राम ग्रुप खोल लो, सब जगह प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो चुका है. देयर आर इन्यूमरस मटेरियल अवेलेबल ऑनलाइन और देर आर इन्यूमरस क्लासेस गिविंग देयर नोट्स. तो एस्पायरेंट के मन में क्या दिक्कत होता है कि हम पढ़े किस में से, बिकॉज इतना सब एट द एंड रिवाइज करना बहुत डिफिकल्ट होता है. ओके, नाउ गिविंग आर एक्सपीरियंस ऑफ मेंस, आपको मेंस में कैसे 5 दिन मिलते हैं ऑप्शनल को छुट्टी प्रिपेयर करने के लिए, तो वो 5 दिन में आपके आप 10 बुक्स से पढ़ नहीं सकते. यू कैन नॉट रिवाइज फ्रॉम 10 बुक्स एट दैट टाइम, दैट इट इज अ वेरी हाई टेंस सिचुएशन. सो फॉर दैट मेकिंग नोट्स इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट. अपन ने सिलेबस पढ़ लिया, तो सिलेबस को नोट्स में कैसे लाना है और नोट्स में से पेपर में कैसे लेके जाना है, ये हम अभी देखेंगे. ओके, और सेकेंड थिंग इज आपको ये समझना पड़ेगा यूपीएससी इज एन ओशन, मतलब आपको ओशन जितना पढ़ना है. ओके, बट वो ओशन में से आपको कैसे स्पेसिफिसिटी लानी है उस ओशन में. आप बहुत टॉपिक से आपने सुना होगा कि रिविजन इज द की, रिवाइज रिवाइज रिवाइज. But if you read from 10 sources, will you be able to revise? I think no. So, आपको वो 10 sources में से लाके एक सोर्स में लाना है. Okay, so हमने वो काम अभी भी किया है. This is our notes. ये notes हमने बनाए हैं. We can zoom in a bit, I think. Can everyone see the notes? Right? Just a minute. Okay. So, इस साल का क्वेश्चन था, देयर वाज अ क्वेश्चन दिस ईयर, एलुसिडेट मेसोलिथिक कल्चर एंड एक्सप्लेन द आर्ट फॉर्म्स इन्वॉल्वड इन इट. ओके, सो मेसोलिथिक कल्चर ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ डायरेक्ट सिलेबस पॉइंट ऑफ मेसोलिथिक कल्चर. आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया है और आपको डायरेक्टली आंसर लिखना है, और ऐसा आंसर लिखना है कि आपका सिक्सर हो जाए वो बॉल पे. कैसे होता है, यूपीएससी में मैंने जैसे बोला 20% क्वेश्चन डायनेमिक होते जा रहे हैं, तो फिर वो डायनेमिक क्वेश्चन तो सबको टफ जाने वाला है.
ठीक है, उसको हम कैसे भी करके हैंडल करेंगे, वो भी हो जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं। बट जो क्वेश्चन आपको बहुत ईजी है, जो फुल टॉस बॉल आपको मिल रहे हैं, वो आपको 100% सिक्स मारना है। जो ये नहीं कर पाएगा वो रेस रेस के बाहर ही चला जाएगा। तो उसके सिक्स मारने के लिए वी हैव नोट्स रेडी। आप प्रणोती कैन टेक इट अप बिट अप नीचे नीचे। तो एग्जाम में क्या आया था, मीजोलिथिक पीरियड, इलुसिडेट मीजोलिथिक पीरियड एंड द आर्ट फॉर्म एसोसिएटेड विद इट। तो आप देख सकते हो हेडिंग है मीजोलिथिक पीरियड। योर एग्जाम आंसर इंट्रोडक्शन शुड बी दैट इंट्रोडक्शन ओनली, जो मैंने इंट्रो बोल के लिखा है वहां पर, इन 9000 BC अप टू आयरन एज, उसमें माइक्रोलिथ्स फेमस थे। तो आप येलो पार्ट में देख सकते हो दैट वी हैव जस्ट हाईलाइटेड व्हाट यू हैव टू कंपल्सरीली ब्रिंग इन योर पेपर, जिसके जो एग्जामिनर ढूंढता है आपके पेपर में। आपको मीजोलिथिक मैंने बोला तो आपको रात को भी नींद में से उठ के बोलने आना चाहिए कि यस माइक्रोलिथ्स वर द मेन टूल्स एसोसिएटेड विद मीजोलिथिक पीरियड। ओके, इतना आपका लेवल ऑफ परफेक्शन होना चाहिए। और ये लेवल ऑफ परफेक्शन कब आएगा, जब आपके नोट्स रेडी होंगे, जब आपने नोट्स आपके 10 बार रिवाइज किए होंगे। ओके, तो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दीज नोट्स। ये आप देख सकते हो हाईलाइटेड पार्ट, क्या एसेंशियल है एंथ्रोपोलॉजी में, वी नीड फ्लो चार्ट्स, वी नीड डायग्राम्स दैट विल डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम अदर आंसर। इजी है पर आपको इस फॉर्म में लाना है। फ्लो चार्ट लाया हमने डायग्राम लाया, टूल्स के डायग्राम लाए। ओके, कंपोजिट टूल्स मिलते हैं उस पीरियड में, वो डायग्राम्स लाए। तो we are going to give you these notes, okay? और ये आंसर, ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मीजोलिथिक पीरियड एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको इंडिया का मैप निकालना पड़ेगा, आपको ये जो बाकी थिंकर्स के नाम, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं वो लिखने पड़ेंगे, आपको बाकी स्पेसिफिक साइट के बारे में लिखना पड़ेगा। ओके, नीचे रह दो। तो अगर आपके ऐसे नोट्स रेडी हो देन यू विल बी एबल टू रिकॉल द थिंग्स वेल। और अनदर एडवांटेज विल बी इफ योर नोट्स आर रेडी, यू आर गोइंग टू लर्न दिस नोट्स बाय हार्ट, यू आर गोइंग टू रिवाइज देम 10 टाइम्स बिफोर योर प्रीलिम्स एंड पोस्ट प्रीलिम्स यू आर डायरेक्टली गोइंग टू गिव योर टेस्ट्स। अगर आपके नोट्स रेडी नहीं हो, आपका पढ़ के नहीं हुआ है प्रीलिम के पहले, तो पोस्ट प्रीलिम्स यू हैव 3 मंथ्स। 3 मंथ्स में आपको जीएस करना है, आपको ऑप्शनल करना है, आपको ऐसे करना है। जीएस में 4 पेपर्स है, इथिक्स एक अलग पेपर है, ऐसे एक बहुत अलग पेपर होता है, और उसके लिए कंटेंट बिल्डअप करो। ऑप्शनल इज अ यूजली डिफरेंट माइंड गेम, करीब 1.5 महीना 2 महीना आपका ऑप्शनल नहीं चला जाएगा। सो इट इज बेटर टू प्रिपेयर इट बिफोर हैंड, प्रीलिम्स के पहले ही प्रिपेयर करो। ओके, तो ऐसे नोट्स अगर आपके प्रिपेयर्ड हो तो प्रीलिम्स के बाद आप डायरेक्टली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। You can revise your notes, give the test, and remaining time you can use for your GS. This is the biggest advantage anthropology offers. Yes, we can go down. Okay. Next thing is wait. Yeah. जैसे मेरे को अभी किसी ने पूछा था कि dynamic हो रहा है paper. तो dynamic हो रहा है उसका मतलब क्या होता है? कि they are asking comparative analysis. उन्होंने क्या किया? इस साल mesolithic पूछ लिया. अगले साल वो लोग क्या करेंगे? पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक का कंपैरिजन पूछेंगे। अगले साल नियोलिथिक मेसोलिथिक का कंपैरिजन पूछेंगे। ओके, अगले साल 2 थिंकर्स में का कंपैरिजन पूछ लेंगे। तो टू हैंडल दैट पार्ट वी विल बी डूइंग दीज एक्सरसाइजेस। लाइक ये आपको 6 मैप्स दिख रहे हैं, दीज 6 मैप्स आर ऑफ 6 डिफरेंट पीरियड्स। ये अपर पैलियो, लोअर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक, अपर पैलियोलिथिक, देन मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ऐसे 6 जो अपने पीरियड्स है, हिस्ट्री के पीरियड्स है ये। तो इनके हम कंपैरेटिव एनालिसिस रेडी रखेंगे, हम टूल्स के ऐसे कंपैरेटिव डायग्राम्स रेडी रखेंगे, हम उसके क्लाइमेट कैसे थे सब पीरियड्स में उसके हम रेडी रखेंगे नोट्स। ओके, सो दैट एग्जाम में आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। आपने जो UPSC आपको एक्सरसाइज एग्जामिनेशन में एक्सपेक्ट कर रहा है वो एक्सरसाइज आप घर पर ही कर रहे हो। तो you are ready with your notes and you are directly applying your notes in the exam. Okay, so ye exercise se hum dynamic questions bhi handle kar sakte hain. We'll go down. Okay, ma'am has just now taught you about race concept. So race and racism, this is the concept of race. Aapko aise anthropology ke view se kaise likhna hai. Okay, concept of race, you have to mention a thinker like introduction to Theodosius Dobzhansky. Then you have to draw a diagram कि क्या definition imply कर रही है। okay, नीचे जाएंगे।
आपको बायोलॉजी अभी कैसे इजी करना है, आपको ऐसे इजी करना है कि आपको टेबल्स बनाने हैं। टेबल से क्या होता है, अपनी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। टेबल्स बनाने हैं, डायग्राम्स बनाने हैं, ऐसे टेबल्स दिखाएंगे, डेटा बनाना है। ओके, डेटा, डेटा से आपके मार्क्स वैल्यू एडिशन ज्यादा अच्छा होता है। तो अगर आपके नोट्स रेडी हो तो आपको बायोलॉजी याद करने में भी इजी जाएगा। तो दीज आर द नोट्स, दिस काइंड ऑफ नोट्स वी आर गोइंग टू गिव यू। अभी ये एक टॉपिक, ओके यू कैन गो टू द स्लाइड्स। तो वी हैव सीन कि नोट्स कैसे बनाने हैं। We will help you actually in class and we will give you direct notes also. The notes कैसे बनाने हैं आपको समझ जाएगा। So we'll go through paper to syllabus fast. Okay? तो अभी हम fast से देख लेंगे फटाफट और बाद में at the end हम finish करेंगे सब। तो कोई भी आप optional उठा लो, और paper one in that optional, be it geography, be it political science, anthropology, paper one होता है general part. General part is theory part. पेपर टू हमेशा होगा एप्लीकेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ इंडिया, इंडिया के ज्योग्राफी, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की पॉलिटी, इंडिया की सोसाइटी के हिसाब से वो कॉन्सेप्ट्स कैसे अप्लाई होते हैं हम देखेंगे। ओके, तो आपने अभी पेपर वन में पढ़ा कि पीरियड्स नाम ने बताए थे, नियोलिथिक पीरियड, चैल्कोलिथिक पीरियड और मीजोलिथिक पीरियड, सेम पीरियड्स वी हैव टू अप्लाई इन केस ऑफ इंडिया। तो आप इंडिया के मामले में सिर्फ और सिर्फ एडिशन क्या होने वाला है कि आप थिंकर्स के नाम लाओगे, आपने जो आर्कियोलॉजिकली लोगों ने साइट्स ढूंढे हैं हरप्पा के वो आप लाओगे। ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथ्रोपोलॉजी एंड हिस्ट्री। आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किए हुए स्पेशल वर्क्स के मेंशन करोगे आपके आंसर, दैट विल डिफरेंशिएट योर आंसर फ्रॉम जनरल स्टडीज। ओके, नीचे मैम ने जैसे बोला, मैन हैज इवॉल्व फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्पीशीज, ऑस्ट्रेलोपिथेकिनी, होमो, अभी होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। तो इंडिया में ये स्पीशीज कब मिलना शुरू हुए, व्हेन वी फाउंड दीस स्पीशीज इन इंडिया। ओके, द स्पीशीज दैट वाज सिमिलर टू मैन। तो ये स्पीशीज कब मिले, रामापिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा मैन। आपको नाम से दिख रहा है कि ये थोड़ा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम बातें करेंगे। सेम थिंग, द थिंग्स वी हैव स्टडीड इन पेपर वन, उसको सिर्फ इंडिया के साइट्स के नाम डाल के वी आर गोइंग टू मेक आवर नोट्स। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इथनो आर्कियोलॉजी। इथनो आर्कियोलॉजी छोटा सा टॉपिक है। ओके, और बेस्ट थिंग इन एंथ्रोपोलॉजी इज आप क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहे हो तो आपको इजी जा रहा है एग्जाम में लिखने को। अब क्वेश्चन प्रेडिक्ट कैसे करना है, आपको एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ पे रामापिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा मैन दिया है 1.2 टॉपिक में। There is 100% a fixed question on either of the three topics. रामापिथिकस, शिवापिथिकस, नर्मदा में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ स्टडिंग हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स, पहले आप ये कंप्लीट कर लो तो आपके एग्जाम की जो 15 मार्क्स है वो तो फिक्स हो गए ना। तो आपको वैसा करना है। One more fixed question is from the first topic. इतने periods दिए हैं, इन सब periods में से एक question आपको fix आएगा। तो this is predictability of questions in anthropology. कहाँ कुछ topics examiners के favorite हैं, उन favorite topics में से question आना ही है। Okay? Next thing is ethnoarchaeology नाम का topic है। इस topic में हम क्या करते हैं? Now we need to study the past cultures. जो वो cultures होके गए हैं हम study करेंगे। But बहुत बार उन cultures का evidence नहीं मिलता। एविडेंस मिलता भी है तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, एम आई ऑडिबल सर्वेश, प्लीज बी लाउडर। ओके ओके, आई विल बी लाउडर नाउ, एम आई ऑडिबल नाउ? यस। ओके, बहुत सारे जो पास्ट कल्चर्स हो गए हैं हमको उनका एविडेंस नहीं मिलता। ओके, बहुत बार तो हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट सोसाइटी से उस कल्चर्स को कंपेयर करेंगे। लाइक हमें पॉट मिला तो पॉट का प्रेजेंट सोसाइटी में यूज क्या है हम वो देखेंगे। ओके, तो हम फिर प्रेडिक्ट करेंगे, हाँ पास्ट सोसाइटी में भी पॉट का यही यूज हुआ होगा। ओके, तो ऐसे दिस, ये जो टेक्निक है स्टडी करने का कि कंपैरिजन ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी एंड पास्ट सोसाइटी एंड प्रेडिक्टिंग वेरियस कल्चर्स इन पास्ट सोसाइटी, इट इज नथिंग बट इथनो आर्कियोलॉजी। ओके, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट,
हेलो हेलो। यस नेक्स्ट या अब इंडिया की एंथ्रोपोलॉजी मतलब क्या? इंडिया की पॉपुलेशन हमें स्टडी करनी है, इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन हमें स्टडी करना है, इंडिया की पॉपुलेशन क्या लैंग्वेज बोलती है, इंडिया की पॉपुलेशन का वे ऑफ कल्चर क्या है। अब कल्चर आपने पेपर वन में पढ़ा है, कल्चर को तो अप्लाई करना मतलब क्या, इंडिया के वेरियस पार्ट में क्या क्या कल्चर हमें मिलते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो एथनिक एंड लिंग्विस्टिक एलिमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन, ये जो टॉपिक आपको दिया है सेकंड नंबर टॉपिक, वो हमें स्टडी करेंगे कि लैंग्वेज और कल्चर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडिया में। नेक्स्ट इज फैक्टर्स दैट आर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अभी आप देख रहे हो कि पॉपुलेशन ग्रोथ इज अ मेजर इशू इन आर कंट्री, और वो भी आपको दिखता है कि साउथ इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ इज लेस, साउथ इंडिया में पॉपुलेशन इज लेस, नॉर्थ इंडिया में पॉपुलेशन इज मोर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर। सो ये क्यों है? देर आर वेरियस कल्चरल फैक्टर्स इन्वॉल्व। क्या होता है, वो वुमेन का एजुकेशन एक फैक्टर है, वुमेन का हेल्थ स्टेटस एक फैक्टर है, वुमेन का डिसीजन मेकिंग पावर इन द फैमिली एक फैक्टर है। ओके, कास्ट सोसाइटी वहाँ कितना स्ट्रॉन्ग है, इज इट अ एग्रीकल्चरल सोसाइटी और इज इट अ सर्विस सेक्टर सोसाइटी। अभी आप देखोगे अर्बन एरिया में कैसे होता है, जो कपल अर्बन एरिया में रह रहा है उनको लेस किड्स दे प्रेफर लेस किड्स, क्योंकि उनका जॉब होता है, उनका इकोनॉमिक स्टेटस उनको मेंटेन करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज में आप देखो कि देर इज मोर टेंडेंसी टुवर्ड्स मेकिंग मोर किड्स, बिकॉज वन थियरी इज दैट कि हेलो एम आई ऑडिबल? ओके नो सूरज, जस्ट रिफ्रेश योर सेटिंग्स। सूरज इज अनेबल टू लिसन मी, सो प्लीज रिफ्रेश। ओके, तो हम देखते हैं कि रूरल इंडिया में बर्थ रेट बहुत हाई है, क्योंकि दे कंसीडर चिल्ड्रन एज यूजफुल एज लेबरर्स इन द फील्ड, और वहाँ पे इवन रूरल इंडिया में वुमेन का स्टेटस थोड़ा कम होता है, वुमेन का एजुकेशन कम होता है। इफ वुमेन हैव बेटर एजुकेशन देन दे वुड गो फॉर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, दैट्स व्हाई दे वुड प्रेफर लेस चिल्ड्रन, तो वहाँ पे बर्थ रेट कम होगा अर्बन एरिया। इस साल अगर आप देखो जीएस के पेपर में यूपीएससी के एक क्वेश्चन आया था, ओके, जीएस के पेपर में क्या क्वेश्चन आया था कि हाउ वेमेन्स एजुकेशन कैन प्ले अ बिग रोल इन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन, ऐसा एक जीएस जनरल स्टडीज पेपर वन में क्वेश्चन आया था कि वुमेन का एजुकेशन कैसे हमें पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सो यू कैन सी हाउ एंथ्रोपोलॉजी यहाँ पे आपको हेल्प करेगा जीएस में। ओके, तो एंथ्रोपोलॉजी का ये जो पार्ट है सोसाइटी का पार्ट, इट इज वेरी हेल्पफुल इन जीएस। नेक्स्ट टॉपिक इज वेरियस टॉपिक्स, ट्रेडिशनल टॉपिक्स दैट वी सी इन इंडियन सोसाइटी लाइक वर्णाश्रम सिस्टम, देयर आर फोर आश्रमास इन इंडियन सोसाइटी, देन वी हैव पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपने देखा सुना होगा इसके बारे में। ये सब सिंपल कॉन्सेप्ट हमको पढ़ने हैं, दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, डायरेक्टली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट्स एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, तो ये आपको एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ना है। नेक्स्ट इज इंडियन सोसाइटी कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट द स्टडी ऑफ कास्ट सिस्टम। ओके, एंथ्रोपोलॉजी ये क्यों स्टडी कर रहा है? एंथ्रोपोलॉजी, अभी आपका एक बेसिक मिसकंसेप्शन होगा कि एंथ्रोपोलॉजी इज बायोलॉजी, ऐसा नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी फ्रॉम बायोलॉजिकल व्यू, फ्रॉम कल्चरल व्यू, फ्रॉम सोसाइटल व्यू, फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल व्यू। तो वन ऑफ द व्यू टू स्टडी ह्यूमन सोसाइटी इज टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, कि कास्ट सिस्टम कैसे सोसाइटी में ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। हाउ कास्ट सिस्टम वर्क्स इन इंडिया, व्हाट इज डोमिनेंट कास्ट, लाइक यू सी यादव इन यूपी, यू सी पटेल इन गुजरात, यू सी मराठा इन महाराष्ट्र, दीज आर नथिंग बट डोमिनेंट कास्ट। हाउ अदर कास्ट वर्क इन फंक्शन विद दीज डोमिनेंट कास्ट, दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, देन वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम, कि आगे फ्यूचर है क्या कास्ट सिस्टम का। यू कैन सी अर्बन एरियाज में जनरली द पीपल आर लेस कंसर्न अबाउट द कास्ट ऑफ अ पर्सन, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द इकोनॉमी, द स्किल्स ऑफ अ पर्सन। तो फ्यूचर ऑफ कास्ट सिस्टम क्या है, आगे कास्ट सिस्टम रहेगा क्या? ऑन द अदर हैंड यू कैन सी वेरियस मैट्रिमोनी साइट्स, जहाँ पे shaadi.com साइट, वहाँ पहले कास्ट देखते हैं लोग, तो सोशल मीडिया पे वेरियस कास्ट ग्रुप्स है। Even currently, the dominant caste in various states, like be it Marathas in Maharashtra, be it Patels in Gujarat, be it Jats in Haryana, be it Kapus in Karnataka. So these people,
दिस डोमिनेंट कास्ट आर ऑल्सो डिमांडिंग रिजर्वेशन. तो कास्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहा है या वीक हो रहा है, आपको इस पर बैलेंस ओपिनियन बनाना होगा कि कुछ सेक्टर्स में वीक हो रहा है, कुछ सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ओके, सो ऐसे इस व्यू से हम कास्ट सिस्टम स्टडी करेंगे. दिस मेक्स द सिलेबस वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, यू कैन गो टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट आता है सम कॉन्सेप्ट्स लाइक सेक्रेड कॉम्प्लेक्स. सेक्रेड कॉम्प्लेक्स, नेचर मैन, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. अभी आपने देखा होगा इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स रिलीजन, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स वे ऑफ लाइफ. ओके, बट समवेयर इंडिया को एग्जिस्ट, समवेयर इंडिया सस्टेन्स, इज सस्टेनिंग नाउ. ओके, तो व्हाई इज दैट? क्योंकि बहुत सारे कल्चर्स आके एक जगह मीट होते हैं एंड दीज कल्चर्स ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्व्स, राइट? बहुत देर इज अ लेस क्लैश, दे ट्राई टू एडजस्ट देमसेल्व्स. लाइक अगर आप वाराणसी देखो, लाइक आप बोध गया देखो, वाराणसी में कैसे है? वाराणसी में यू विल सी द हिंदू कल्चर, द ट्राइबल कल्चर. ओके, तो ट्राइबल क्या करते हैं? ट्राइबल कल्चर, दे सी द काशी विश्वनाथ एज अ गॉड ऑफ देयर्स. लाइक दे सी इट इन डिफरेंट वेज, द हिंदू सी इट इन डिफरेंट वेज. ओके, तो ऐसे ऐसे कुछ जगह है इंडिया में, जैसे काशी विश्वनाथ हो गया, जैसे वाराणसी है, जैसे बोध गया है, जहाँ पे वेरियस कल्चर्स कम एंड मीट, दे इंटरैक्ट विद ईच अदर, दे एक्सचेंज द आइडियाज फ्रॉम ईच अदर एंड देन दे टेक देयर ओन अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दोज प्लेसेस. ओके, सो दैट इज नथिंग बट अ सेक्रेड कॉम्प्लेक्स. ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट इज नेचर मैन, स्पिरिट कॉम्प्लेक्स. ये क्या होता है? नाउ यू सी ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल कंसिडर नेचर एज देयर गॉड, ट्राइबल पीपल कंसिडर फॉरेस्ट एज देयर गॉड. अगर आप बीच में, अगर आप नियमगिरी गूगल करोगे, नियमगिरी फॉरेस्ट, बीच में एक इशू हुआ था, ये इशू सुप्रीम कोर्ट में भी गया था. क्या हुआ था? कि गवर्नमेंट को नियमगिरी फॉरेस्ट माइनिंग करना था क्योंकि वहां पे मिनरल्स मिल रहे थे विच आर वेरी यूजफुल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, बट ट्राइबल्स के लिए वो फॉरेस्ट गॉड था. अगर आप उनको करोड़ों रुपए भी दे दो तो ट्राइबल्स वोंट एग्री टू लीव दैट प्लेस. तो ट्राइबल के लिए वो मोर देन एन इकोनॉमी है, मोर देन मिनरल्स है. उनके लिए जस्ट वो मिनरल्स नहीं है, उनके लिए वो भगवान है उनका. ओके, तो नेचर मैन स्पिरिट कॉम्प्लेक्स, इसको हम बोलेंगे कि हाउ ट्राइबल्स आर कनेक्टेड विद देयर नेचर, वो हम पार्ट उसमें देखेंगे. नेक्स्ट इज 3.4 टॉपिक में वी विल स्टडी इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी ऑन इंडियन सोसाइटी. ओके, हाउ दीज रिलीजन्स केम इन टू ओरिजिन इन इंडिया, इन वॉट सेंचुरी, इन वॉट पीरियड, हाउ इट स्प्रेड इन इंडिया, उसका इंडियन कल्चर पे क्या इफेक्ट हुआ, हाउ बुद्धिज्म, अब एग्जाम्पल हम बुद्धिज्म थे, ड्यू टू एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म अपने यहाँ कास्ट सिस्टम जो बहुत रिजिड थी, इट बिकेम अ लिटिल माइल्ड बिकॉज बुद्धिज्म वॉज ओपन फॉर एवरी वन. बुद्धिज्म ऑल्सो अफेक्टेड द लिटरेचर ऑफ इंडिया, वी हैव वेरियस फेमस बुक्स रिटन बाय बुद्धिस्ट सेंट्स. ओके, बुद्धिज्म अफेक्टेड द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, इट बिल्ट मॉन्यूमेंट्स. आपने चित्त पढ़े होंगे, विहारा पढ़े होंगे, आपने देखा भी होगा आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे कि हाउ बुद्धिज्म हैज अफेक्टेड द आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया, हाउ बुद्धिज्म हैज अफेक्टेड द मॉरल वैल्यूज ऑफ इंडिया. बुद्धिज्म प्रोपाउंड्स नॉन वायलेंस, बुद्धिज्म प्रोपाउंड्स पीस. ओके, ये सब वैल्यूज बुद्धिज्म प्रमोट करता है. तो इसका और इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट हुआ? बुद्धिज्म नॉन वायलेंस बोलता है, नॉन वायलेंस की वजह से क्या हुआ कि ट्रेडर्स जो होते हैं अपने इंडिया में, तो ट्रेडर्स को ट्रेड करने में इजी होता है. व्हाट बिजनेसेस डिमांड? बिजनेसेस डिमांड अ गुड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन. तो बुद्धिज्म ने वो प्रमोट किया इंडिया में, एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, दैट्स व्हाई ट्रेड फ्लरिश्ड इन दैट पीरियड. और करेंटली भी हाउ बुद्धिज्म इज अफेक्टिंग, यू कैन सी इंडिया चाइना इशू, यू कैन सी रोल ऑफ दलाई लामा, यू कैन सी हाउ बुद्धिज्म इज स्प्रेड इन इंडिया. मेजर कॉन्सेंट्रेशन कहाँ दिखेगा आपको? लेह लद्दाख में दिखेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में दिखेगा, और महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन है. So this is how we are going to study other religions also, like Jainism, Islam and Christianity. Next is fourth topic is emergence, growth and development of anthropology in India. Okay, अभी कोई भी आप optional ले लो, आपको थोड़ा एक specialized study करना पड़ेगा. Okay, how optional is different from GS? In optional we are going to study the contribution of the thinkers, we are going to study the special works of thinkers. ओके, क्यों? फिर जीएस से डिफरेंस ही क्या रहेगा? अगर आप जनरल बातें करते रहेंगे तो ऑप्शनल जीएस से डिफरेंस नहीं दिखाएगा. तो ऑप्शनल इवन इन एंथ्रोपोलॉजी यू विल हैव टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स, यू विल हैव टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेन थिंकर्स.
पेपर टू में हम इंडियन थिंकर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन स्टडी करेंगे। हाउ एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट ग्रू इन इंडिया, ये हम देखेंगे। अगर आप नेचुरल गेस्ट करो तो जब ब्रिटिशर्स आए इंडिया में तब एंथ्रोपोलॉजी को एक बड़ा बूस्ट मिला। दे स्टडीड वेरियस सोसाइटीज इन इंडिया फॉर देयर ओन यूज, दे वॉन्टेड टू एक्सप्लॉइट, दे वॉन्टेड टू नो सोसाइटी मोर फॉर कंट्रोलिंग इट वेल। तो उनके लिए किया उन्होंने, सो दैट गेव एन इम्पिटस टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारे ऊपर अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का अच्छा इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन विलेज। इंडियन विलेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो हम इंडियन विलेज में एग्रेरियन रिलेशंस क्या होते हैं, कास्ट रिलेशंस कैसे वर्क करते हैं, इंडियन विलेज सोशल सिस्टम कैसा होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ वेमेन, व्हाट इज द रोल ऑफ कास्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ जमींदारी सिस्टम, व्हाट इज द रोल ऑफ जजमानी सिस्टम, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग इंडियन विलेज। नाउ वी डू नॉट हैव अ ट्रेडिशनल सेंस ऑफ विलेज, इवन विलेजेस आर शोइंग साइंस ऑफ मॉडर्निटी, दे आर इम्बाइबिंग वेस्टर्न कल्चर, वहाँ पे भी मॉडर्न कल्चर आने लगा है, टेक्नोलॉजी इज गेटिंग पेनिट्रेटेड, इवन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग डिजिटल इंडिया, गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग भारत नेट थ्रू आउट द कंट्री, इट इज प्रोवाइडिंग ऑप्टिकल फाइबर। तो वहाँ पे कैसे चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन मॉडर्नाइजेशन, ये हम स्टडी करें। ओके, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। दिस टॉपिक इज सिमिलर टू द प्रीवियस टॉपिक, जैसे हमने बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इनका इम्पैक्ट देखा। वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टडी द स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दीज रिलीजन्स, लाइक वॉट इज द स्टेटस ऑफ इस्लाम इन इंडिया, हाउ पॉलिटिकली द पीपल आर एम्पावर्ड, हाउ इकोनॉमिकली द पीपल आर एम्पावर्ड इन इस्लाम रिलीजन, हाउ वॉट इज द कल्चरल स्टेटस ऑफ पीपल, वॉट इज द एजुकेशनल स्टेटस, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है, हाउ वॉट इज द स्पेसिफिक डिजीजेस अफेक्टेड टू दोज पीपल, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो ये हम सब चीजें इस टॉपिक में देखेंगे, दैट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। नेक्स्ट इज 5.3 टॉपिक, इंडिजिनस एंड एक्सोजिनस प्रोसेसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज। इसमें क्या होगा, इंडिजिनस मतलब क्या, इंटरनल चेंजेस, एक्सोजिनस मतलब क्या, एक्सटर्नल चेंज, एक्सटर्नल प्रोसेसेस जो इंडियन सोसाइटी को अफेक्ट कर रही है, बी इट ग्लोबलाइजेशन, बी इट वेस्टर्नाइजेशन, बी इट मॉडर्नाइजेशन, बी इट इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया। ओके, ये सब एक्सटर्नल प्रोसेसेस है जो इंडियन सोसाइटी को चेंज कर रही है। ओके, इन ड्यू टू सोशल मीडिया यू कैन सी द चिल्ड्रन आर लेस कनेक्टेड। ओके, ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन यू मे सी पीपल आर नाउ प्रेफरिंग न्यूक्लियर फैमिलीज। ओके, तो ये सब प्रोसेसेस हम इसमें स्टडी करेंगे। देयर आर वेरियस टॉपिक्स लाइक संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, तो ये हम डिटेल में इसमें स्टडी करेंगे। अब आया हमारा सेकेंड हाफ, हम जिसको बोलेंगे पेपर का। ओके, ये क्वाइट अ डिफरेंट पार्ट है फर्स्ट हाफ से, इसमें हम स्टडी करेंगे ट्राइबल पार्ट। ओके, अभी ट्राइबल के प्रॉब्लम आप सबको पता है, इन जनरल आपको पता होता है, इफ आई आस्क यू व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइबल पीपल, यू विल बी, एवरीवन ऑफ यू विल बी एबल टू टेल मी एटलीस्ट 4 to 5 प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ 1500 पीपल आर गोइंग टू अपीयर फॉर एंथ्रोपोलॉजी, हाउ आर यू गोइंग टू मेक योर आंसर डिफरेंट फ्रॉम दोस। हियर कम्स द रोल ऑफ केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या होती है, हमने स्पेसिफिक ट्राइबल्स को स्टडी करके उनका डेटा हमको लेके आना है, which is ready everywhere. हमको सिर्फ एक 10 case studies learn करने हैं, वो timely अपने exam में लाने हैं। जैसे अगर आपको specific case study की बात करूँ मैं, तो there are Juang tribe in Odisha. Juang tribe के लिए government ने क्या किया, Juang tribe को government ने तिरुमला, जो तिरुपति देवस्थानम है, उससे connect किया। उससे क्या हो गया, जो Juang tribe है वो पत्थर बनाते थे, जो अपना खाने का पत्थर होता है वो बनाते थे। तो क्या तिरुमला तिरुपति को ये पत्थर बहुत लगता है, बहुत क्वांटिटी में लगता है, टू गिव देम प्रसादम, टू गिव द पीपल प्रसादम। तो क्या किया, तिरुमला तिरुपति ने वहां से प्रोक्योर करना शुरू कर दिया। दिस हेल्प द ट्राइबल्स एज वेल एज द टेम्पल, तो ये दोनों का विन विन सिचुएशन हो गया। इट हेल्प ट्राइबल्स टू ग्रो इकोनॉमिकली, हेल्थ वाइज वुमेन का स्टेटस अच्छा हुआ। ओके, मैंने आपको एक स्पेसिफिक केस स्टडी बताया। ओके, आपको ऐसे ही स्पेसिफिक केस स्टडीज कुछ प्रॉब्लम्स के लिए लाने पड़ेंगे और कुछ सॉल्यूशंस के लिए लाने पड़ेंगे। द प्रीवियस स्लाइड प्लीज। ओके, तो आपको स्पेसिफिक केस स्टडीज प्रॉब्लम्स के लिए एंड सॉल्यूशंस के लिए लाने पड़ेंगे। तो 6.1, 6.2, नेक्स्ट स्लाइड।
6.3, 6.4, 7.1, these topics will deal with problems of tribals and the specific solutions for problems. Okay, this we are going to study. Also, we are going to study the constitutional provisions which are available for the protection of tribals, minorities, SCs, STs, in sub ke liye hum dekhenge. Next slide. We are going to go a bit fast. We are running short of time. Okay. 8.1 topic is similar to the topic we have studied earlier, Hinduism, Buddhism, Christianity, Islam, but this topic is specifically related to tribal societies. I am tribal societies ke specific mein study karenge ki in religions ne unko kaise affect kiya. Okay, next topic. In these topics we are going to study this topics like how we are going to develop the tribal society. We have taken measures, numerous measures for tribal society. Government is taking, NGO is taking, anthropologists are taking various measures. But still there are various problems. So हम ये problems को study करेंगे और इन measures को कैसे improve करना है ये हम लोग यहाँ पे study करेंगे. इसमें हम फिर role of NGOs, primitive tribals क्या होता है, government की क्या क्या schemes है tribals के लिए, okay, ये सब हम study करेंगे. Next slide. And then this is the syllabus. Last दो topic है यहाँ पे हम anthropology के views से communalism और regionalism ये सब movements हम study करेंगे. So you can see the paper to syllabus is very small as compared to paper one. The paper to syllabus is half, only half of it. So it will is going to be covered very soon, very fast. Okay. So last slide is how we are going to help you. As I have shown you, we are going to give you notes. हमने आपको नोट्स दिखाया है तो हम नोट्स देंगे आपको, विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सोर्सेस, वो आपका काम बच जाएगा. वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद द ईच एंड एवरी टॉपिक. सपोज रेस, तो रेस के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. सपोज वर्णाश्रम, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब डिस्कस करेंगे. देन द टॉपिक इज गोइंग टू बी स्टार्ट. ओके, नेक्स्ट इज टेस्ट सीरीज. वी आर ऑल्सो इंक्लूडिंग टेस्ट इन दिस प्रोग्राम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. Here we will be conducting module wise test as well as full test. Next is completing. We are going to complete the syllabus as soon as we can. Okay, today this is July, June. So July is starting, July, August and September. Time max till September you are going to be done with your anthropology syllabus. That will help you in giving more and more tests, revising more and more content. Okay, so we are going to cover it very fast. Next is I have talked about this, that is value addition. Diagrams आपको मैंने दिखाया है notes में, flowcharts आपको दिखाया है, maps दिखाया है, ये सबको आपको हम एक ही notes में देंगे. So that is going to reduce your work tremendously. Okay, next slide. This is the detail of the course. That is sessions will be in the morning, ताकि आपको पूरा दिन मिल सके पढ़ाई के लिए. All sessions will be online. If you miss the session, आपको recording मिल जाएगी. The fees is given in the slide. It is 20,000, and if you pay before 10 July, it is 15,000 including GST. You may contact that number. Okay. You may contact us for further details. Next slide. Does anyone have any question? कुछ question है अभी आपको? Hello. I would like to emphasize one point. All of you, please pay attention. As Sarvesh sir has already discussed, we are going to provide you the notes, and there are literally hundreds and hundreds of books about anthropology for UPSC are available in the market, and there is no still you can see on the screen that these are the common sources which usually are referred, but again there are some questions which come out of these books. And there is no definite source for them. So अगर आप ऐसा कोई भी question लेते हो तो उसको ढूंढने में आपको बहुत time लगेगा. तो हम आपका वो सारा effort save कर रहे हैं. अगर कोई भी point है syllabus का, तो उसके लिए जो भी possible sources है वो हम सब refer करके आपको एक best possible note देने की कोशिश करेंगे. So that before prelims जो आपका study होना चाहिए ready optional का, जिस तरह ने discuss किया, आपका पूरा हो जाएगा. एंड वी कैन अश्योर यू दैट ड्यूरिंग दिस कोर्स एटलीस्ट यू आपको कोई भी बुक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा. आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो,
लेकिन जो कोर्स होगा उसके लिए नोट्स ही काफी रहेंगे आपके, और उसमें ना ही आपका सिलेबस बट कुछ कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्टली सिलेबस से नहीं आते, थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं, वो भी सारे कवर होंगे, आपके सारे सोर्सेस कवर होंगे, तो आपको वो सोर्सेस ढूंढने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं वो कम हो रहे हैं, आपको नोट्स लिखने के लिए जो एफर्ट्स लगते हैं वो कम हो रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ वैल्यू एडिशन एग्जाम के लिए प्रीलिम्स होने के बाद आप जब मेंस लिखोगे तो उस ईयर का जो ट्रेंड रहेगा उसके हिसाब से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, लेकिन तब तक के लिए हमारे नोट्स ही आपके लिए काफी होंगे। तो ये आप बहुत अच्छे से माइंड में रखो कि हम आपके बहुत बहुत ज्यादा एफर्ट जो है वो नोट से सेव करने वाले हैं। तो एज सर हैज सेड, आप फर्दर डिटेल्स के लिए हम दोनों के कॉन्टेक्ट इनिशियल दिए थे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, या फिर अभी या फिर ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इवन ओके यू कैन नोट डाउन दिस नंबर, और इवन यू कैन टेक बोथ ऑफ यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑल्सो मी एंड सर्फिश, सो दिस इज आर नंबर, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस ऑल्सो फॉर द एडमिशन। We also have some, we are going to create a Telegram group and a WhatsApp group today itself for all of us. So, आप admissions के लिए उस पे भी contact कर सकते हो, आपको details वहाँ पे भी मिल जाएगी जो भी admission का बात रहेगा। Okay? तो आपके जो भी doubts है आप comment box में लिख सकते हो। Any doubts? If you have enjoyed the session, please mention in the chat box. और आपके कोई friends होंगे उनको भी आप suggest कीजिए if you like the lecture, so that you can form a group amongst yourself, study together and make notes together. Have you all understood the session, guys? Have you all understood the what we are going to offer you? What is exactly the syllabus? What is exactly we are going to study in this optional? And how we are going to help you in that? Have you understood that? We expect 100% sincerity from the students, और आप भी हमसे expect कर सकते हो 100% sincerity in giving notes, teaching, okay? So, any questions, any doubts? So we will stop if you do not have any doubts. Okay, we will stop here. Thank you. Thank you. करना पड़ता।